हमारे संप्रदाय में छह गोस्वामी हुए हैं, रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ सिंह जी, गोपाल भट्ट दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो इनमें से श्रील रूप गोस्वामी जिन्होंने ग्रंथ लिखा है श्री उपदेशामृत, नाम तो है उसका उपदेशामृत, परंतु हम जैसे बद्ध जीवों के लिए उसमें जो उपदेश है ना वो है तो अमृत के जैसे, परंतु अगर हम उन्हें शरण करेंगे तो हमें वो विष जैसे प्रतीत होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा उसको बताया गया है वैसा हम करने में सक्षम नहीं है। जब से इसमें सबसे पहला श्लोक बताया, वाचो वेगम जीवा वेगम गर्भस्थ वेगम, इस प्रकार से जो वाणी का वेग है, मन का वेग है, जीवा का वेग है, गर्भस्थ का वेग है, ये जो वेग है जो इनको कंट्रोल कर लेता है वो सारी पृथ्वी पर शासन करता कर सकता है, वो सारी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, पृथ्वी के जितने भी समस्त लोग हैं उनको शिष्य बना सकता है। वाणी का वेग अगर किसी को, अभी जैसा समय चल रहा है, अगर किसी को रास्ते में कोई जा रहा है, अगर हल्का सा किसी से टच हो जाए ना ऐसे करके, तो तुरंत गाली निकलने लगती है मुझसे, वो हमसे संभव नहीं है। ऐसे ही मन का वेग है, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो मन ये मन हमें क्या होने लगता है, उससे ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है, किसने हमें ऐसा क्यों कह दिया। इस प्रकार से उसमें एक श्लोक आया है, सियात कृष्णाम चैतादि सताप्य विद्या पितो तप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु से विष्टा स्वाद्वी किर्माद भवति तद्गल मुक्तमंत्री। इसमें बता रहे हैं जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम कैसा है, मिश्री के समान बड़ा ही स्वादिष्ट और बड़ा ही मधुर है, परंतु अगर हम हरि नाम करते हैं क्या होता है, हरि नाम करते हुए कभी नींद आने लगती है, कभी जो है वह माला जो हाथ में जो होती है ना तो ऐसा लगता है कि माला हाथ से छूटेगी, जैसे पकड़ लिया हो माला ने हमें, ऐसा हमारे मन में विचार चलता है। तो बता रहे हैं सियात कृष्णाम चैतादि सताप्य विद्या पित्तो तप्त रसनस्य न रोचिकानु, जो एक पीलिया का मरीज होता है अगर उसको मिश्री खाने के लिए दो तो कैसी लगेगी उसे, कड़वी लगेगी, वो मीठी नहीं लगेगी उसे, वो उसे नहीं खाएगा, उसे जो है जबरदस्ती लेना पड़ेगा। अगर हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कैसी दवाई देता है हमें, कड़वी दवाई देता है, अगर हम उसको आदर पूर्वक ग्रहण करेंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। इसमें उदाहरण बताते हैं किसमें हरिनाम में हमारा मन क्यों नहीं लगता है, जैसे किसी लड़की की नई नई शादी होती है और जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में उसका मन नहीं लगता है प्रारंभ में, जबरदस्ती उसको मन लगाना पड़ता है, पति से भी शादी होने के बाद जो है उसका जो है एकदम से प्रेम नहीं होता है, जब वो धीरे धीरे पति की सेवा करती है, सेवा करते करते क्या होता है एक प्रीति भाव जाग जाता है। वैसे ही सास ससुर की, देवर देवरानी इत्यादि जो भी है, जब वो सेवा करती है धीरे धीरे तो उनके प्रति प्रीति हो जाती है और उसी प्रीति के कारण जो है उसे सब अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है वही जब मायके से फोन आता है माता कि बेटी तेरे भाई की शादी है 10 दिन पहले आ जाना, तो फिर क्या जवाब देती है वो, कभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं सुबह को, पति ऑफिस जाते हैं, इस तरीके से वो जवाब देती है। तो जहाँ तक वो जब प्रारंभ में अपने ससुराल गई थी उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने सेवा की पति की, देवर देवरानी की, सास ससुर की, क्या हुआ वहाँ प्रीति भाव जाग गया, उसी प्रीति भाव के कारण जब ससुराल से फोन, मायके से फोन आया तो उसने मना कर दिया कि मेरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 दिन पहले आऊंगा, 10 दिन पहले नहीं आ सकती। इसी प्रकार का ये हरि नाम है जो सभी मंगल अमंगलों को दूर करता है और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करता है।
यही हरि नाम जब हम उसको आदर पूर्वक ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और सुख शांति आ जाएगी। यही इसमें बता रहे हैं कि हम क्या है, अनर्थग्रस्त हैं, हमारे हृदय में पाप अपराध भरे हुए हैं, अनर्थ भरे हुए हैं, जिसके कारण ये हरि नाम जो हमें कैसा लगता है, कड़वा लगता है और उसको करने का मन नहीं करता। अभी सुबह सुबह के टाइम अगर आप माला लेकर के बैठ जाओ, बड़ा अजीब सा लगेगा, चिंता होने लगेगी, अरे बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, कैसे करूं। करते रहे माला और चिंतन किसका हो रहा है, बच्चों का और पति का। तो माला हुई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ भरे हुए हैं। उस अनर्थ के कारण जो संसार में हमारी आसक्ति हो रही है, उसके कारण अभी हमारा हरि नाम में मन नहीं लगता। फिर बता रहे हैं इसमें क्या, जैसे जो पीलिया का रोगी है, अगर वो मिश्री को धीरे धीरे चूसता रहे, क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसको मीठी लगने लगेगी। वैसे ही इसको आदर पूर्वक, चाहे हमें अभी प्रारंभिक अवस्था में हमें जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, जैसे उस लड़की जिस लड़की की शादी हुई, ससुराल में जबरदस्ती मन को लगाया, एकदम से नहीं लगा, ऐसे ही हमें मन को जो है हरि नाम में जबरदस्ती लगाना होगा, एकदम से नहीं लगेगा, और इसी से हमारा कल्याण है। अगर ये नहीं करेंगे तो इससे इसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले, हरि नाम को छोड़कर और कोई साध्य नहीं है जो हमें सुख शांति प्रदान कर सके। जैसे बताया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलौ नास्ते 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 गति रंजन, कि हरि नाम ही केवल एक ऐसा साध्य है कलयुग में जिसके बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस शब्द को तीन बार बोला जा रहा है उसका मतलब यही है कि उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। बहुत जोर देकर जो है किसी बात को अगर तीन बार बोला जाता है तो वो हमारे लिए अनुकरणीय है, वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि हरि नाम को जो है आदर पूर्वक हमें करना चाहिए, तभी जो है हमें हमारी हरि नाम में रुचि होगी। हरि नाम करते हुए, हरि नाम की सेवा करते हुए भगवान में, भगवान के भक्तों में प्रीति होगी। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वांछा कल्पति कृपा सिंधु से भगता नाम बोला हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय। बल काली जोग के बल नाम माधा काली जोग के बल नाम हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञान सिमिरम रस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत प्रति गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय। भक्ताविहीनापराध लक्ष्य इप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद। जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ। हे चय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रद्धावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। जन्म प्रभजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरहका तर आयु भाव पुत्री पितन्मयतया तर्वो विनेतुम स्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तुष्मि। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब इधर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि। बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरी गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टवतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टवतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को उन्होंने छह प्रश्न किया था। छह प्रश्न में पहला प्रश्न था ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और दूसरी प्रश्न किया था बोलो कौन बोलेगा। ये अकेली मैया बोलती है हम लोग कुछ बोलते नहीं थोड़ी थोड़ी याद करना ठीक है। इसलिए कलयुग में भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरह से कल सबको मैं पूछूंगा ठीक है। इसलिए अच्छा तरह से कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है जिसका उत्तर में श्री सोतो गोस्वामी कहते हैं कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। जो कुछ करते हो हाथों में ठाकुर का सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर का नाम जप करो बस इतना ही। ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने कलयुग में इतने सरल उपाय रख दिया लेकिन तब भी लोग भगवान का नाम नहीं लेते। समय मिला गया तो बहू की बात बेटी की बात दुनियादारी की बात करेंगे। बोलो बोले थोड़े भगवान का नाम लो बोले समय का
इसलिए कलयुग की जीव का उद्धार कैसे होगा? इसलिए क्या करो, भगवान के नाम जप करो है, और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की। सबसे सरल उपाय ठाकुर ने दे दिया। गोपियां भी घर में रहती थी लेकिन हाथों में जो कुछ करती थी कृष्ण सेवा मान कर करती थी, और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप करती थी। एक बार सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्णा, सब बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, जितने सत्य ठाकुर जी का नाम में भगवान भी वो व्यक्ति का कुछ भी गुजार नहीं सकता जो ठाकुर जी की नाम को जप करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनो, कल सबको पूछना याद रखना। पहले एक समय एक राजा था जिसका नाम था सुकांत। जब सुकांत जा रहा था बीच में नारद जी बैठे। नारद जी बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले ये सुमेरु पर्वत के ऊपर में बड़े बड़े संत लोग आने वाले हैं, वहां पर बड़े सत्संग होगा, भगवान की कथा होगा, हम सुनने जा रहे हैं। इतने में नारद जी बोले, एक काम करियो। बोले बताओ। बोले पहले जाकर के सबसे पहले संतों की चरण स्पर्श करनी चाहिए। बोले आप लोग तो यही सिखाया, सबसे पहले क्या करो, संतों को चरण छूना, जरूर संतों की चरण छूंगा। बोले देखो एक काम करियो। बोले बताओ। बोले वहां पर सारे संत तो बैठे हुए होंगे, सबको चरण छूना, लेकिन वहां पर देखना विश्वामित्र जी जो भगवान राम का जो गुरु जी केवल उनकी चरण नहीं छूना। बोले क्यों? जब सबका चरण छुएगा उनका भी चरण छुएंगे। बोले बोल दिया ना, वो पहले ही क्षत्रिय थे लेकिन क्षत्रिय से बाद में फिर ये ब्रह्मर्षि बने, इसलिए उनके चरण नहीं छूना। बोले कोई बात नहीं। वहां पर गए, सारे संत लोग बैठे हुए थे, उनने सब संतों को उन्होंने चरण छुआ लेकिन केवल विश्वामित्र की चरण उन्होंने स्पर्श नहीं किया। इतने में विश्वामित्र को इतने क्रोध आया, इतने अपमान इनको बोध हुआ। बोले सारे संतों का चरण छुआ, बीच में मेरे ही नहीं छुआ। जब ये सत्संग खत्म हो गया वो सीधा सुमेरु पर्वत से अयोध्या आए और भगवान राम से मिलना चाह रहे थे। उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण पहरादार दे रहे थे। बोले अभी अभी मैं राम से मिलना चाह रहा हूँ। बोले राम अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले जिस देश का राजा विश्राम करता है उसी देश में ही ऐसे अनहोनी होती है, इसलिए अभी अभी मैं मिलना चाहता हूँ। जब लक्ष्मण को साथ में से तर्क वितर्क कर रहे थे, प्रभु राम की नींद खुल गई। भगवान बोले लगता है गुरु जी की गला की आवाज, निकल करके आए, देखा विश्वामित्र जी अपना गुरु जी की चरणों को स्पर्श किए। बोले गुरु जी क्या बात, इतने आप क्रोधित क्यों? बोले क्रोधित इसीलिए, मेरे नहीं संत समाज के अपमान है। ये सुकांत राजा ने सारे संत बैठे हुए थे सबका चरण स्पर्श किया लेकिन बीच में केवल मेरे चरण का स्पर्श नहीं किया, मेरे चरण में सर नहीं नमाया। भगवान राम सुन करके बड़े क्रोधित हुए। बोले जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी की चरण में सर नहीं नमाया कल सवेरे उसका सर मैं काट दूंगा। भगवान प्रतिज्ञा कर लिया। जो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं वो तो कभी झूठ नहीं होता है, वो सत्य होता है। इतने में ये तथा धीरे 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 ये सुकांत जी को पास में पहुंचा। अभी सुकांत सुन करके घबरा गया। अगर ठाकुर जी कहते हैं सवेरे सर काटते के मतलब मेरे को कोई जगत में बचाने वाले नहीं। इतने में वो दुखी हो गए। दुखी होकर के अभी नारद जी को ढूंढ रहे, नारद जी कहा, नारद जी कहा, लेकिन जब ढूंढ नहीं रहे तो नारद तो मिल गए, लेकिन जब ढूंढ रहे हैं नारद मिल नहीं गए। बोले देखो नारद कैसे नाटक लगाए, अरे सारे संतों को चरण छुआ तो विश्वामित्र को चरण छुई लेते। इतने में देखा नारद जी हंसते हुए, और नारद जी बड़े पौत्र किए,
हंसते हुए ठाकुर का कीर्तन करते करते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। नारद जी आए, आते ही सुकांत जी ने बोले आप मेरे को ऐसे क्यों करवाए। अरे भगवान राम कहते सवेर होते ही मैं इनके सर को मैं काट दूंगा, अब ऐसे लड़ाई क्यों लगाया। इसलिए कल सवेरे प्रभु राम मेरे सर काट देंगे, कल मैं मरने वाला हूँ। बोले देखो ये मरते जगत है, ये मरते जगत में सबको मरना पड़ता है। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अभी कोरोना आई थी ना, सबको घर में बंद कर दिया। बोले क्यों क्यों बंद कर दिया, कौन मरना चाहते हाँ तो बताओ। इसलिए तो घर में सब बंद होगी, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, कोरोना नहीं पकड़ ली। बोले भैया ये जगत मरते जगत में, मरते जगत मतलब सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा। लेकिन कोई मरना चाहते हो, कोई मरना नहीं चाहते लेकिन सबको मरना पड़ेगा कि नहीं बोलो, पड़ेगा। बोले भैया सबको मरना पड़ेगा। बोले अभी मरना नहीं चाहता हूँ इतने में। बोले अभी मेरे को क्या करनी चाहिए बच सकता हूँ। बोले एक काम करो, जाओ माता अंजना की शरण में चले जाओ। ये अंजना कौन है, हनुमान जी की माँ का नाम अंजना। तो उन्होंने जाकर के अंजना जी की चरण में गिर पड़े, चरण पकड़ कर रोने लग गए। और माताओं का जो हृदय बड़ा कोमल होता, बोले बेटा क्या बात क्यों रो रहे हो, कल विश्वामित्र मेरे को मरवाना चाहे, माता जी मेरे को प्राण बचाओ, मेरे को प्राण बचाओ। बोले एक काम कर, तू घर में बैठ गया हनुमान का आने को। अभी शाम को हनुमान जी प्रभु राम की चरण की सेवा करते हुए हनुमान जी आए, देखा माता जी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। बोले माता जी हनुमान जैसे बेटा रहते हुए अगर किसकी मैया दुखी उसको बेटा रहना नहीं रहना बराबर, माता जी बताओ क्यों दुखी हो। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति है उसको प्राण रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं जरूर उसको मैं रक्षा करूंगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, मैं जरूर कल उसको रक्षा करूंगा। इतने में सुकांत जी को बोले मैं निकल कर गया। जब निकल करके आए बोले बेटा क्या बात है बताओ। बोले कल भगवान राम मेरे को मारना चाह रहे। अंजना बोले तू तो बोल रहा था विश्वामित्र की मारना चाहते हैं, तू तो राम का नाम बीच में कहां से आ गया। बोले राम को द्वारा विश्वामित्र मरवाना चाह रहे। हनुमान तो बड़े बीच में फंस गए, क्यों। बोले और कोई व्यक्ति होता तो मैं रक्षा करता, जब मेरे प्रभु किसको मारना चाहते हैं, अगर ठाकुर जी किसको मारना चाहते उसको जगत में कौन बचा सकता है, अगर ठाकुर जी अगर किसको बचाना चाहते उसको कौन दुनिया में मार सकता है। इतना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हुई। जिसको ठाकुर रक्षा करेंगे दुनिया में उसको कोई मार नहीं सकते हैं। इतने में तो बीच में फंस गए हनुमान जी। इतने में हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या। देखा भगवान राम अपना चतुरंगी सैनिक को सजा सजा करके युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या होगा, छोड़ दो ना। बोले वो दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं नवाया, जिसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं नवाया उसको सर को मैं काट दूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको रक्षा करने की। बोले तू कैसे रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा की। बोले मेरे को बता ही नहीं था, पहले मैंने प्रतिज्ञा कर ली। बोले तू जो कुछ करना कर ले, मैं तो जरूर उसको मारूंगा। हनुमान जी आए, बोले सुकांत चलो मेरे सामने। अभी हनुमान जाकर के बोले मेरे पूछ का नीचे तो बैठ गया। बैठ करके चलो हम दोनों ठाकुर की नाम लेते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन
सीताराम जय गणपति भाई भगवान राम ढूंढ रहे हो दुष्ट कहाँ गया है। इधर हनुमान भी नाम कर रहे हैं लेकिन सुकांत भी नाम कर रहा है। सुकांत बार बार पूछ रहा है, बोले हनुमान जी राम तो केवल दो ही अक्षर है, क्या ये दो अक्षर राम से बचा पाएगा। हनुमान कहते विश्वास पूर्वक राम का नाम लो, एक तो आनंद से नाम ले रहा है और एक डर से नाम ले रहा है। अभी दोनों जब नाम ले रहे थे इतने में आए प्रभु राम, वो गया कहा, देखा ये तो बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। हनुमान जी आगे और सुकांत उसको पूछ कर नीचे, इतने में भगवान उठाया अपना धनुष, भगवान के बाण कैसे राम की, जब उन्हें तीन को पकड़ते है ना वो एक गुना होता है, जब निकालते वो सौ होता है, जब चढ़ाते हजार होता है, जब खींचते हैं लाख होता है, जब छोड़ते हैं ना वो करोड़ गुण बनता है, और जब प्रहार करते प्राण को ले लेता है। भगवान का राम का बाण अचूक है, लेकिन देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करते हैं ये नाम की शक्ति देखो। जिस समय प्रभु ने बाण मारे वो जो नाम रूपी जो चक्र है ना वो चारों तरफ में घिरा हुआ है, जब उन्हें बाण मारते बाण तो जाता है लेकिन लग करके बाण गिर जाता है। क्यों? प्रभु का नाम ले रहे हैं ना, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इतने में लक्ष्मण वहां पर थे, बोलिए तो प्रभु का बड़ा धन कर रहा है, प्रभु का बाण कोई काम नहीं कर रहा है। इतने में उन्हें सुकांत को पर बाण क्या मारेंगे, सामने हनुमान जी बैठे हुए थे, उन्होंने उठाया बाण और सीधा उन्होंने हनुमान को पर छाती को पर मारे, लेकिन बाण जब मारे हनुमान का छाती में तो लगा, इतने में प्रभु राम बेहोश हो गए, क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं, बोलो कौन बैठे हैं, हाँ हनुमान के हृदय में प्रभु राम का विश्राम, हनुमान के हृदय में, इसलिए प्रभु राम ही बेहोश हो गए। बोले भैया ये क्या हो गया, प्रभु राम कैसे बेहोश हो गए। जब प्रभु राम की होश आया इतने में प्रभु राम सुकांत जी को पूछ रहे हैं, बोले सुकांत ये बताओ तुम्हारी ये दुर्बुद्धि कौन सा असत संग से हुआ। बोले प्रभु जी असत संग से नहीं सत्संग से। बोले सत्संग से, बोले किसके, बोले श्री नारद जी ने बोले। प्रभु राम बोले नारद जी ये बताओ तुमने ये दुर्बुद्धि क्यों दिया। बोले प्रभु जहां जहां मैं जाता हूँ सबके सब लोग मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनके नाम बड़ा। अभी मैं कितने लोगों को क्या उत्तर दूं, मैंने सोचा ऐसे के काम कर दो दुनिया में सब लोगों को ये पता चले, क्या पता चले। बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में जुलाया I'm not going to be able to do that.
हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्री राधे। तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले भगवान भाई एक ही भगवान है, लेकिन एक ही भगवान होने पर भी उनका तीन तरह के भक्त हैं और उनके तीन भी स्वरूप है। बोले क्या तीन स्वरूप है? बोले जो ज्ञानी है वो भगवान को निराकार ब्रह्म रूप में दर्शन करते हैं, जो योगी है भगवान को अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, जो भक्त हैं उनको भगवान रूप में कृष्ण राम और नारायण रूप में दर्शन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, क्या ये सबके सब बराबर ना सबके सब अलग है? बोले बराबर नहीं, सबके सब अलग है। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाई, हाँ ये कथा को ध्यान से सुनो। बोले एक समय कोई एक दरिद्र व्यक्ति दर दर भटक रहा था, बड़े दुखी होकर के। एक सर्वज्ञ था। सर्वज्ञ मतलब होता है जो आपको देख करके सब बात बता दे, केवल मुंह देख कर बता दे, तुम्हारी घर में पत्नी कैसे, तुम्हारी बच्चे कैसे, घर में कितने पैसा है, कहाँ रखा हुआ, केवल तुम्हारी मुंह देख करके सारी बात को बता देगा। एक सर्वज्ञ ने देखा इसको देख करके, बोले भैया इधर तू ये दर दर क्यों भटक रहे हो, क्यों ये दुखी हो रहे हो? बोले घर में खाने के लिए कुछ नहीं। बोले देख तेरे जो पिताजी ना ये मेरे दोस्त थे, तुम्हारे पिताजी मेरे को एक गोपनीय बात बता कर गए थे, कहते एक सोने की कलसी में हीरे जवाहरात को उन्होंने तुम्हारे घर में गाड़ करके रखा। जैसे घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये जो माल है ना ये तुम्हारी पूर्व दिशा में रखा हुआ है, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना पूरा वो माल निकलेगा, एक पृथ्वी में सबसे बड़े तुम धनी बन जाओगे। बोले भैया मेरे घर में ही संपत्ति है पर मेरे को पता नहीं हम इतने दुखी हो रहे हैं। बोले देख और एक बात सुना। बोले बता। बोले पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर खोदोगे तो ततिया रहते हैं, वो ततिया निकलेंगे तो खा जाएंगे तुमको, मार डालेंगे, और तुम दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर रहता है अजगर सांप, वो निकलेगा तो सीधा तुमको निकल जाएगी। तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर अगर खोदोगे ना फिर उधर निकलेगा
एक अजगर सांप फट में निकल जाएगा। उधर तीनों दिशा को नहीं खोदना, खोदना तो तुम केवल पूर्व दिशा का ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना वो माल निकलेगा। सचमुच से जब वो रात में गया थोड़ी सी मिट्टी हटाए ना, अरे माल हीरे जवाहरात की कलसी और एक एक बेचा तो अरब खरब रुपया हुआ, उसने माला माल हो गया। बोले इसका तात्पर्य क्या है, अच्छे तरह से आप लोग समझो। कोई कोई व्यक्ति कहते भगवान का निराकार, उसका तो कोई रूप नहीं है, उसको तो निराकार है। कहते जो भगवान को निराकार मानते हैं कहते वो क्या है, बोले ये अजगर सर्प। जैसे अजगर सर्प निगल लेती हैं जो व्यक्ति चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में अपने आप को लीन कर दे। लीन कर देने पर क्या होगा, तुमका जन्म नहीं होगा, मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन तुम जाकर के वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाओगे। फिर भगवान भक्त और भक्ति रहेगी, तुम एकाकार हो जाओगे, फिर तुमको भक्ति रस आस्वादन तुमको नहीं हो पाएगा। कहते भैया उधर नहीं जाना, बोले पश्चिम दिशा में नहीं खोदना। बोले क्यों, बोले उधर ततया। बोले ततया मतलब क्या है, कहते ये कर्म मार्ग में भी फंसना नहीं। अगर कर्म मार्ग में तुम फंस जाओगे पर ये संसार में बारम्बार आते रहोगे, संसार में आओगे तो जन्म होगा, मृत्यु होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, पर संसार में बिलबिला होगी, इसलिए कर्म मार्ग में नहीं फंसना। बोले देखो दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना। बोले कौन, बोले ये योग मार्ग। बोले योग मार्ग में भी नहीं खो फंसना, वो यक्ष एक भूत रहता है, ये भूत भी तुमको निगल खा जाएगा। मतलब क्या है, ये एक तरह का मुक्ति है, हैं? बोले भैया उस तरह पे भी नहीं फंसना। बोले किधर जाना है, बोले भगवान को भक्ति करो, भगवान को भक्ति करो, ठाकुर का नाम लो, जो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, इनकी तुम पूजा सेवा करो। इनकी पूजा सेवा से जैसे श्री हनुमत लाल जी वो क्या करते हैं, क्या भगवान राम से मिल गए, मिले भगवान राम से नहीं, भगवान की अगर जरूरत हो कहीं जाना, कंधे में बैठा करके उनको उड़ा करके ले जाते हैं, हैं? कहीं जाना, ठाकुर जी कहीं बैठे हुए हो तो पूछ से भगवान को बड़े सुंदर छाया कर देते हैं। इसलिए भगवान के हर तरह से हनुमान जी ठाकुर जी को सेवा करते हैं। इसलिए कहते भक्ति मार्ग में चलो, जिसमें ज्यादा परिश्रम नहीं, बस भगवान के प्रसाद पाओ, कथा सुना, ठाकुर जी की भक्ति करो और आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो भजन गालो, सबसे ऊंची प्रेम सुना इसको गालो।
I'm
सत्वत्सल भगवान की जय जय श्री राम प्रजदाय जदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस दुनिया में वो ब्राह्मण पृथ्वी संतों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए यहाँ पर सुत गोस्वामी भगवान की 26 अवतार की उन्होंने वर्णना किया है। भगवान का पहला अवतार है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र रूप में ये चतुष्ण सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी बोले बच्चों भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करते हुए जीवन को मुक्ति मार्ग में चला ले, ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है। बोले भगवान का निर्देश संसार करना तो भगवान का आदर्श पालन नहीं करते हो, अगर ये घर गृहस्थ नहीं करोगे ना मैं अभिशाप देता हूँ, तुमने जैसे जन्म हुआ बच्चे जिंदगी भर ऐसे ही रहो। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप, ये तो वरदान है। संसार का बोझ किसको ऊपर में, बड़े को ऊपर में, छोटे लोग तो मस्त से खेलते कूदते हैं। अब भगवान का जो दूसरा बता रहे हैं श्री बराह रूप में हुए हैं, इसलिए कहते हैं शाम का समय में हमें चार काम नहीं करने चाहिए। कितना काम नहीं करने चाहिए, क्या क्या नहीं करोगे बताओ। हाँ, पहला नंबर है ठीक शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो शाम का समय में भोजन करेगा उसका पेट का बीमारी जिंदगी भर रहेगा, पेट का बीमारी कभी सही नहीं होगा। और शाम का समय भी सोनी नहीं चाहिए, जो शाम का समय सोएगा ना दरिद्र जिंदगी भर रहेगा, घर में कभी माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होगी। तीसरी चीज है शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जो पढ़ेगा उसको कोई चीज याद नहीं रहेगी। और चतुर्थ चीज है पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी हिरण्यकश्यप क्यों हुए, कभी एक समय दीति ने वो राजकुमारी ठीक शाम का समय में सीसा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर श्रृंगार की, बड़ी सुंदर देखने में थी। जब उसने श्रृंगार की अपना रूप को देख कर इतने काम में आतुर हो गई, अपना काम को संभाल नहीं पाई, अपना पति कश्यप जी को पास में गए और उसको साथ में मिलने के लिए चाहा। कश्यप जी ने कहा देखो अदिति ये अच्छी समय नहीं, ये शाम का समय। यहाँ पर शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर घूमते रहते हैं, अगर तुम मेरे साथ में मिलोगे ना ये सही नहीं है, ये बाल बेला है। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी उसने जो जबरदस्ती पति को साथ में ले, पति बोले दीदी तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे पेट में राक्षस से जन्म ले, ये हिरण्यकश्यप जन्म लेंगे। लेकिन बेचारी बड़ी दुखी हो गई, बोले मेरे अपराध हो गया, मैं काम में आतुर हो गई थी अपना काम को संभाल नहीं पाई, मेरे अपराध को माफ कर दो। देखो अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है अगर हम माफी मांग लेना तो क्षमा हो जाती है। बोले ठीक है तुमने तो पाप कर्म की है लेकिन तुम्हें माफी भी मांगी है, मैं वरदान देता हूँ बेटा था तुम्हारा राक्षस बन गया, लेकिन तुम्हारा जो बेटा का बेटा होगा ना पोता होगा वो भगवान के भक्त बन करके आएगा, वही प्रहलाद बन करके आए और जिसने खंभे में भी ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए आप लोग देख लेना कभी कभी ऐसे होता है बच्चे बड़े आज्ञाकारी कभी कभी होते हैं, लेकिन कभी कभी देखना बच्चे कभी कभी बड़े आज्ञाकारी नहीं होते, बड़ी उद्धवबाजी एकदम बात नहीं सुनते हैं। कारण क्या है,
कभी एक गर्भ संस्कार है, जिस समय में पेट में बच्चा आया है अगर वो समय सही समय हो देखना बच्चा संस्कारी बनेगा। और दूसरी संस्कार है जब पेट में बच्चा रहे माताएं अगर गीता रामायण भागवत पढ़ोगे वो बच्चा जरूर भक्त जन्म भक्त होकर बनेगा। अगर उसी समय में लड़ाई झगड़ा झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे ना वो डाकू बनकर उठ जाएगा। कभी कभी कहते ना लगता है पूर्व जन्म का शत्रु ही हमारी बेटा बन करके आ गया है। कभी कभी बोलते ना इतने पिता माता को सताना सुन कर देते। इसलिए ये भगवान की भगवान वराहावतार में जिस समय पृथ्वी रसातल में चली गई थी और मन महाराज सृष्टि करना चाह रहे थे लेकिन सृष्टि करे कहाँ पर, सृष्टि है ही नहीं पृथ्वी। ब्रह्मा जी छींके तो उनको नासिका से मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ और देखते देखते विशाल वराह भगवान आए। बोले श्री वराह भगवान की, इन्होंने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को उन्होंने उधार करके धुरी पर स्थापन की। फिर मनु महाराज ने दधिस्मृति नाम का राज्य को स्थापन करते हुए फिर ये सृष्टि के क्रम धीरे धीरे ये सृष्टि क्रम धीरे धीरे बढ़ाए। भगवान का जो तीसरा बता रहे हैं बोले श्री नारद रूप में आते हैं, सब नारद जी को जानते हैं लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है। हम क्या कहते हैं तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब लड़ाई क्या लगाते हैं, लेकिन नारद कभी लड़ाई नहीं लगाते। अब देखना प्रभुता कोई भी लीला में नारद के बगैर कोई लीला ही नहीं। राम लीला देखो ये नारद जी का कारण है, कृष्ण लीला देखो ये नारद जी का कारण है, और बड़े बड़े जो संत हुए ना ये नारद की कृपा से। वाल्मीकि का नाम सुने हो, सुने कि नहीं, तो उसने क्या किया, भागवत लिखे थे रामायण लिखे थे उन्होंने, उन्होंने क्या लिखे थे रामायण लिखे थे वाल्मीकि। कभी ये पहले दशरथ नगर था, गुंडागिरी डाकू डाकू डालना सारे गंदा काम करते थे। एक दिन नारद जी मिले, बोले बाबा निकालो क्या माल खोली, बोले भैया संत आदमी मेरे पास में तो लोटे सोटे लंगोटे तीन चिंगल जो कुछ निकाल दे। इतने में नारद जी बोले ये बताओ तुम जी ये पाप कर्म करके जो पैसा कमा रहे हो उसको कौन लेगा, बोले मेरी बीवी मेरे बच्चे पिता माता, बोले कुछ कर जाओ ये सब के सब तेरे सुख में मदद कर रहे हैं दुख में कोई तेरे साथ में करने वाला, कुछ कर क्या। वो गया अपना पत्नी से पूछा ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूं तो उसमें अंशीदार क्यों बनोगी नहीं, बोले क्यों घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे पता नहीं क्यों कैसे पैसा कमाते हो। बच्चों से पूछे बोले क्यों, बच्चे आपका कर्तव्य हमको बड़ा बनाना, हम बड़े बनकर कैसे पैसा कमाते फिर हम सोचेंगे। फिर उन्होंने पूछा पिता माता को बोले तेरे को जन्म दिया लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया हमने कैसे पैसा कमाया हमें पता, तू कैसे पैसा कमाते हो तेरे को पता नहीं। बोले भैया बाबा तो सही बोलते ये तो सबके सब सुख में मदद कर रहे हैं, हम तो सोच रहा था ये हमारे साथ देने वाले तो कोई साथ देने वाले है नहीं। फिर उन्होंने नारद जी को पास में आए बोले बाबा आप सही कह रहे हो, बोले आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, बोले पैसा गए तुमको है ये तो बड़ा विचित्र दुनिया है। हाँ बताओ मैंने इतने पाप कर्म करके पैसा कमाया और उसको अभी क्या होगा, मेरी मुक्ति कैसे हुई होगी, बोले भगवान का नाम चक्कर बोलो राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम। लेकिन उसका मुंह से प्रभु का नाम राम का नाम नहीं निकला, क्यों वो पापी था ना, इसलिए पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। देखना दिन भर बैठ करके चुगली इधर उधर बात दिन भर करेंगे, बोले थोड़ा हरि नाम कर, बोले समय कहा है हमारे पास, समय कहा है दुनिया की बात करते समय समझता ही नहीं। इसलिए बोले एक काम कर तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला ये कितना तो बोल सकता हूँ आप लोग बोलो तो मरा मरा सबके सब, सबके सब जो बोले जोर से बोलो सबके सब, देखना आप मरा मरा बोलोगे ना आपके अपने आप राम राम हो जाता है। हाँ जैसे मराम राम अपने आप मरा बोल ही नहीं सकते, दो बार बाद में राम राम निकल जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुताई विचार करह सुमन मन माई। जैसे दस्यु रत्नाकर जैसे अगर मरा मरा करते करते राम राम हो और इतने बड़े आप लोग लवकुश देखे होंगे, देखे हो टीवी में लवकुश,
लोग उसे क्या कहते हैं भगवान राम को, बोले आपका जीवन चरित्र हमारे गुरुदेव वाल्मीकि ने अब प्रकट होने से पहले उन्होंने लिख दिया है, इसलिए हम दोनों को पढ़ाया है। इसलिए उन्होंने राम दरबार में लवकुश उन्होंने राम कथा सुनाया, जिसको सुन करके अयोध्यावासी आश्चर्यचकित हो रहे थे। इतने बड़े उल्टा नाम जप करते करते हो गया, अगर हम सीधा प्रभु का नाम जप करें फिर तो हमारे क्या कल्याण नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, आप लोग ने बीज लगाया कोई खेती में, मिट्टी में कभी ना कभी आपने कोई बीज लगाया, कौन कौन लगाया हाथ उठाओ तो, लगाया ना। आप देखना जब गेहूं का बीज लगाते देखे होंगे, किसान क्या करता है गेहूं लेकर के ऐसे ऐसे फेंक देता है, आप देखना बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, जब निकलता है कैसे निकलता है, सीधा निकलेगा, पेड़ उल्टा पुलटा नहीं निकला, पेड़ सीधा निकलेगा। उसी तरह ठाकुर का नाम, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का नाम किसी तरह से भी प्रभु का नाम लो, लेकिन जो फल होगा ना सीधा फल होगा। इसलिए राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा गा नहीं सकते, तीन नाम लेना लेने का महत्व है। एक बार हाथ उठा कर सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका परिवार के लोग आए थे ना, संबंधी लोग कहाँ गए सबके सब, आपके परिवार के लोग आए थे ना, ये तो सब इस उनको सब पत्नियां हैं, सब पुरुष लोग कहाँ गए सब नीचे बैठे, बोले बुला दो, बोले बाबा यहीं बुला रहे, बोले सामने पीछे क्यों बैठ कर सुन रहे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए नार ये चले किसके हुए, बोले श्री नारद जी के ये चले हुए हैं, और ये के चले हुए वृद्धा कौन, बोले श्री व्यास देव जिन्होंने भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषं पूर्णं माया च तत् अपाश्रय, उन्होंने अपना ध्यान जोग को द्वारा उन्होंने भगवान का धाम को दर्शन करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे। ये किसकी चले थे, बोले श्री नारद जी की चले, और एक ध्रुव हुए और एक प्रह्लाद हुए, आप लोग सुने होंगे हैं, इतने 5 साल उम्र में ही उन्होंने ध्रुव तो 6 महीना भजन करके प्रभु को प्राप्त कर लिया, और प्रह्लाद महाराज को उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ बताओ, मेरे भगवान तो सर्वत्र मेरे को दिखता है, बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी बैठ रहे मुस्कुरा रहे, बोले पहले तेरे भगवान को दिखाऊंगा बाद में तेरे को दिखाऊंगा है। उन्होंने मुष्टि का घात मारे खंभे में और खंभे फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए ये नारद जी की जिसको ऊपर भी कृपा हो गया ना उसको बेड़ा पार कर दिए। इसलिए भगवान की जो 14 अवतार हुए हैं, भगवान नर नारायण ऋषि रूप में हुए, बोले कहाँ पर, बोले कहाँ पर ये तपस्या कर रहे हैं, ये बद्री का आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हो, कौन कौन बद्रीनाथ गए हाथ उठाओ तो, एक माता दो गई, आप बताओ कौन जाना चाहते हो, सबको ले जाएंगे, हाथ उठाओ कौन जाना चाहते हो, सबको ले जाएंगे। देखो ये 4 धाम हमारे भारत में, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री, अगर जीवन में ये 4 धाम को कोई कर लेना, हमारी जो भारतीय संस्कृति कहता है जगत में फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। पहले अंतिम समय में जब लोग 4 धाम जाते थे, बोल करके जाते थे हमारे नाम पर श्राद्ध कर देना, लगता है और हम वापस नहीं आ पाएंगे, क्यों, पहले चल चल करके जाना पड़ता था, और जो रास्ता है ना बड़ा बिहार रास्ता होता था, पेड़ पकड़ पकड़ कर जाते थे। अभी तो ऐसे सुलभ मार्ग 10 दिन में पूरा 4 धाम को घूम करके आ सकते हैं, गाड़ी में जा करके केवल 10 दिन में ये 4 धाम दर्शन कर लोगे। ये बद्रीनाथ का क्या महत्व है, भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को पता है ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकते, बोले इनके हो करके मैं तपस्या करता हूँ, जो एक बार श्री बद्रीनाथ में जाएंगे, एक बार केवल मेरे को दर्शन कर लेंगे, मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ
मेरा तपस्या का छठवां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाएगा। इतने महत्व बद्रीनाथ कहने का है, इतने महत्व बद्रीनाथ अगर कोई गया तो। लेकिन जो वृंदावन में है ना, एक काम्या बन है, वहां पर भी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, जब नंद बाबा ने मनोति रखा था, पहले नंद बाबा का घर में बेटा नहीं था, उन्होंने मनोति रखा था अगर मेरे घर में एक बेटा की जन्म होगा तो हम सारे तीर्थ जाएंगे। अभी कृष्ण जन्म हुए, नियम है ना, अगर हम किसी चीज के मनोति रखे तो जरूर करना पड़ता, ये तो पाप लगता है। अब जब कृष्ण जन्म हो गए, अभी नंद बाबा ब्रजवासी बोले हमने मनोति रखा था, पृथ्वी के सारे तीर्थ में हम दर्शन करने जाएंगे, घर में लाला हो गया, चलो हम सारे तीर्थ करने के लिए जाएंगे। इतने में कृष्ण ने सोचा, देखो ये ब्रजवासी कितने सरल है। श्री रस खान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिन के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। रसखान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, कभी जो वृंदावन धाम है ये साधारण धाम, ये वृंदावन धाम नहीं, कभी ये वृंदावन धाम से राधा रानी की चरण जहां पर है, इसलिए कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग है। बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, कहते जो केशव जो भगवान कृष्ण की जो कुंज है, बोले उसमें करोड़ करोड़ उसमें काशी है, कहते गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, कहते जो गोपियों की जो द्वार पे ना, कहते हरिद्वार विद्यमान है, बोले बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, कहते जो बद्रीनाथ केदारनाथ क्या है, बोले श्री भगवान की दास दास रूप में वृंदावन में विद्यमान, इसलिए रसखान कहते हैं, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। अगर श्री वृंदावन धाम कोई परिक्रमा कर लिया ना, 84 करोड़ श्री वृंदावन धाम, अगर कोई परिक्रमा कर लिया तो हम जो भगवान को भूल करके ये जो 84 लक्ष जोनी में भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए जो ब्रजवासियों की इच्छा हुई, हम चाहते हैं ये सारे तीर्थ हम भ्रमण करना चाहते हैं। कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले, इनको पता नहीं ये लोग कितने पुण्यात्मा हैं। बोले पिताजी कहाँ जाना चाहते हो, बोले लाला तू जन्म होने से पहले मैंने मनोति रखा था मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, पृथ्वी का सारे तीर्थ हम भ्रमण करने जाएंगे, अभी तू घर में जन्म हो गया इसलिए हम चाहते चारधाम जाएं। बोले पिताजी चारधाम तो ब्रज में ही है, बोले कहाँ पर, बोले आओ ना, नियम है ना, पहले क्या करते थे पिता माता जो बड़े बूढ़े हो जाते थे, बच्चे लोग उनको सब तीर्थ उनको घुमाया करते थे, हैं सब, जैसे श्रवण कुमार ने पिता माता को कंधे पर रख करके सारे तीर्थ घुमाया, हम श्रवण कुमार के देश के हम सबके सब हुए, नियम है पिता माता वृद्ध हो जाने पर उनको सारे तीर्थ बच्चों को लेकर के घुमानी चाहिए, बोले मेरे साथ में चलो आपको सारे तीर्थ हम ले जाएंगे। तब उन्होंने काम्य वन में गए, वृंदावन में काम्य वन में गए, और वहीं पर भगवान कृष्ण ने सारे तीर्थ का आह्वान किया, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ये सब के सब काम्य वन में पहुंचे, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण चूला मान सरोवर है, पृथ्वी का जितने गंधमार्दन चिला सब के सब वहीं पर श्री काम्य वन में प्रकट हो गए। कृष्ण ने अपना पिता माता को ब्रजवासियों को पूरा उन्होंने समस्त तीर्थ उन्होंने भ्रमण कराया। इसलिए अगर कोई ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेना, पृथ्वी का सारे तीर्थ में इसको जाना फल प्राप्त हो जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री वृंदावन धाम की। इसलिए कहते श्री सुत गोस्वामी, उनने भगवान की 24 अवतारों की कथा सुनाई,
लेकिन ये सुनाते सुनाते उन्होंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, कृष्ण भी एक अवतार। सुतो गोस्वामी ने कहा मैं इनका पाप बन गया, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है ना ये अवतार नहीं है, ये बोले भगवान कृष्ण कौन, बोले ये अवतार है। बोले अवतार मतलब क्या, बोले जिनसे ये तैतीस समस्त अवतार जिनसे प्रकट हुए हैं, इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं ना, बोले जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि अहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में दुष्टों का अत्याचार होता है, मैं ही ये सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए युग युग में मैं ही अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण, आप महाभारत देखे ना, अभी महाभारत आए थे ना टीवी में देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, कृष्ण उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ। कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मत्त करतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके इस दुनिया में कुछ भी नहीं, जैसे एक माला, उदाहरण जैसे माला है, आपको केवल फूल ही फूल दिख रहा है ना, लेकिन इसके अंदर में कौन माला, ये धागा है, इसलिए एक फूल को पो पो कर माला बनी, अगर धागा को तोड़ दो तो माला रहेगी, माला नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जो अनंत करोड़ जो विश्व ब्रह्मांड देख मेरे अंदर में, इसलिए हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए बोले जिसको तू शंकर जी कहते हो देखो ये शंकर भी मेरे रूप में, जिसको तुम हनुमान जी कहते हो देखो ये हनुमान भी मेरे अंदर में, जिसको तुम कहते हो गणेश जी देखो गणेश मेरे में, जिसको माता जी कहते हो हे अर्जुन इंद्र चंद्र वायु वरुण देख मेरे अंदर में सब कुछ, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। जब हम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया ना, भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, समझो विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम करना हो गया ना, क्योंकि ठाकुर जी के अंदर में ये 33 करोड़ देवादेवी श्री ठाकुर जी के अंदर में। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी ने फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाते हैं, बोले एतेचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एतेचांस कला पुंस, हे अर्जुन ये जितने सारे अवतार हैं मेरे कोई अंश के अंश है, लेकिन जो पूर्ण है मैं ही कृष्ण ही, ये पूर्ण ब्रह्म यही कृष्ण ही, युग युग में कभी राम रूप में आते हैं रावण को मारने के लिए, कभी ये मत्स्य अवतार में आते हैं वेद को उद्धार करने के लिए, कभी नरसिंह रूप में आते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, कभी बलराम रूप में आते हैं, कौन आते हैं, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र आते हैं। एक बार भगवान कृष्ण की जयकार लगाओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी जब उन्होंने भगवान की समस्त अवतार को उन्होंने वर्णन की है, अभी भगवान कृष्ण अभी रह रहे हैं कहाँ पर, अभी हस्तिनापुर में ठाकुर कृष्ण है, लेकिन ये जब जब द्वारका जाने के लिए ठाकुर जी चाहते हैं, ये पांडव लोग इस तरह से जाने नहीं देते, कहते प्रभु जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी आप ही तो हमें रक्षा किया, अभी विपत्ति में तो रक्षा किया, जब संपत्ति आया अभी हमको छोड़ करके जाना चाह रहे और कुछ दिन ही रुक जा, कृष्ण को किसी तरह से जाने ही नहीं देते, इतने प्रेम करते, क्यों भगवान प्रेम के वसीभूत तो भक्त वत्सल है, प्रभु जा नहीं पाते घर से, रिश्ते से निकल नहीं पाते। एक दिन मैया कुंती ने आकर के भगवान को बड़े सुंदर स्तुति कर रही थी, बोले कन्हैया बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। भगवान के सारे अंगों को कमल के साथ में उदाहरण दिया, बोले क्यों, बोले भगवान के शरीर में 8 कमल है, कितने कमल है, क्या क्या बोलो, बोले उनका 2 नेत्र कमल,
उनके मुख कमल, उनकी हस्त कमल, नाभि कमल और चरण कमल। इसलिए भगवान के शरीर में 8 कमल हैं। बोले ये कमलों को साथ में क्यों उदाहरण दिया? बोले जो कमल फूल देखे हो, कौन कौन कमल फूल देखे हो? कमल फूल देखने में बड़े सुंदर लगता है ना, ये आंखों को ये शोभा देता है, कमल है आनंद देता है। इसलिए आप कृष्ण को देखो, जब जब कृष्ण को देखो तब तक भगवान कभी पुराना लगते हैं, कभी ठाकुर कभी पुराना लगते हैं। जैसे घर में तुम्हारी ये लड्डू गोपाल जी घर में, जब जब देखो लगता है जैसे ठाकुर जी नए हैं। सवेरे देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो, ठाकुर की जब जब ठाकुर जी को देखो ना, तब तक ठाकुर कभी पुराने नहीं लगते, हर समय ठाकुर जी नए लगते हैं। लेकिन ये दुनिया में देखो, जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ गया, एक बार देख लो कैसे मिलता, कितना सुंदर बढ़िया सिनेमा, दो बार देख लो बोले हाँ ठीक, तीसरा बार ठीक, चौथा बार और देखा नहीं जाएगा, चौथा बार पहुंच गए ना देख लिया, पंचम बार तो बैठ भी नहीं सकते। ये जगत का कोई भी आनंद देखोगे ना, ये हर समय के लिए नहीं, घर संसार का आनंद देखना घटते घटते आता है, घटते घटते आती है। कोई भी संसार का आनंद कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे, घटते हुए देखोगे। लेकिन भगवान की जो नाम में, ठाकुर के जो गुण में, ठाकुर जी का जो रूप है ना, वो कभी घटते हुए नहीं देखेगा। जैसे हनुमान चालीसा कोई पढ़ते होंगे, कोई देवी दुर्गा की स्तुति रोज पढ़ते कि नहीं, कभी पुरानी लगती है कभी ठाकुर जी को, कोई रामायण पढ़ता होगा, कोई भागवत गीता पढ़ते होंगे, लेकिन जब जब पढ़ो क्या लगता है, नहीं नहीं लगते हैं। इसलिए भगवान कभी पुराने नहीं होते हैं, हर समय ठाकुर जी नए नहीं लगते हैं। इसलिए मैया कुंती भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रही थी। इतने में कृष्ण ने कहा, बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगवा रहे हो, मैं तो तुम्हारी भातीजा, तू मेरी बुआ, मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए, लेकिन तू आज मेरे को उल्टा प्रणाम कर रहे। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया, कहां दुनिया का तू मालिक, विश्व ब्रह्मांड के कहा किसको बुआ बना दिया, किसको मैया बना दिया, किसको बाप बना दिया, सबको माया के चक्कर में डाल रखे हो, यही तो तेरी माया है, तेरे माया समझना बड़ा कठिन। इसलिए मैं भी एक बार भ्रमित हो गया था, एक दिन ब्रज में तुमने मटकी फोड़ दी, मैया जसोदा देखा मेरी सांस की समय की मटकी, कितने घी पी पी करके, पहले तो मिट्टी के पात्र होता था, कितने मजबूत हो गया, तुमने फोड़ दी, आज तो तेरे में उखल में बांध करके रखूंगी। जब तेरे को मैया ने बांध करके रख दी, उसी समय तू शिशर शिशर करके रो रहा था, काल भी जिसकी डर से थर थर कांपता है, तो मैया की डर से थर थर कांप रहा था। मैंने देखा नाटक कर रहे हो ना, सचमुच से रो रहे हो, देखा तो सचमुच से रो रहे हो, कन्हैया तेरी माया समझना बड़ा कठिन है। इतने में कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ जी, जब तू आज इतने स्तुति कर रहे हो, आज तेरी मन में जो कुछ इच्छा मेरे से मांग ले, जो कुछ इच्छा मांग ले, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। देखो कुंती मैया भगवान से क्या मांगती है, बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले ठाकुर जी अगर तुम मेरे को देना चाहते हो, मेरे झोली में विपति भर दो। लेकिन हम लोग ठाकुर को पास में क्या क्या स्तुति करते हैं, सुख संपत्ति घरे आवे दुख कटे तन की जय जगदी सारे, यही बोलते हैं ना ठाकुर जी, घर में सुख संपत्ति आए और शरीर का सब दुख कष्ट दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुंती क्या मांग रही है, मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे पास में संपत्ति मांगते, तो विपत्ति क्यों मांगती हो? देखो कुंती कितनी बड़ी बात कहती है। बोले कन्हैया कभी ये दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे के आए। बोले वो सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। अब देखना कुंती कहती है जिसको पास में चार चीज हो ना, चार चीज की बात छोड़ दे, जिसको पास में एक चीज हो कन्या तेरा भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज में क्या है? बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए तेरे भजन नहीं करेगा, सत्संग में ज्यादा वो लोग नहीं मिलेंगे, देखेंगे भगवत कथा में सत्संग में नहीं मिलेंगे, सारे गंदी कहीं जुआ खेलते हुए और कहीं उल्टा पुलटा नहाए टिकला गंदी गंदी चीज में वो लोग सब मिलेंगे। इसलिए क्योंकि जो लक्ष्मी है ना, इसकी दो बहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। लक्ष्मी की ये दो बहन, एक उल्लू
और एक गौरव। लक्ष्मी को अगर कोई व्यक्ति अपना भोग के लिए घर से में बुलाए, माँ लक्ष्मी आओ बल तेरे को भोग करूंगा, तो उल्लू को पीठ पर बैठ कर के आती है, फिर हमें वो उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी कौन है? बोले नारायण। लक्ष्मी किसकी है? हमारी ना, ठाकुर जी के, ठाकुर जी के। अगर कोई ठाकुर जी को सेवा के लिए बुलाए ना, लक्ष्मी गरुड़ को पीठ पर बैठ कर के आती है। अब देखो ना, गरुड़ कहाँ? वैकुंठ में रहते। गरुड़ कहाँ रहता है? वैकुंठ में। तब वो गरुड़ के ऊपर बैठ कर के आएगी, फिर हमारी घर को वैकुंठ बना देगी। लेकिन अगर अपना भोग के लिए उसको बुलाओगे, फिर तो वो उल्लू को घर बैठ करके आएगी। इसलिए कहते प्रभु जिसको पास में ज्यादा ईश्वर जो हो जाए, अभिमान आता है, फिर भजन भजन नहीं करेंगे। दूसरा चीज ये है, जिसका थोड़ा चमड़ा सुंदर ज्यादा हो जाए, हीरो हीरो जी बन जाए, बोले प्रभु इतना भजन नहीं करेंगे, ये भक्ति करते हुए उनको नहीं मिलेंगे है। तीसरी चीज ये है, जिसको थोड़ी उच्चे कुल में जन्म हो जाए, उसको भी अभिमान आ जाता है, अरे हम इतने कुल उच्चे कुल में जन्म हुए हैं। और जिसको थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई ज्ञान हो जाए, बोले ठाकुर जी ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे, ये बड़े अभिमानी होते हैं। लेकिन तेरे भक्ति कौन करेंगे? बोले नमो अकिंचन भिताय निप्रीत गुण भ्रीताय है। ठाकुर तो दीन हीन गोबर में कृपा करते हैं ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी मेरे झोली में। बोले इसका प्रमाण देखो, जब 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 हम जंगल में भटक रहे थे, उसी समय तो सांप तुमने दिया, लेकिन अभी मैं राजमाता बन गई, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा बन गई, और द्रौपदी राज रानी बन गई, हम छोड़कर जाना चाह रहे हो, लेकिन जब जब विपत्ति आई तेरे को बुलाए, तब तक तुम हमारे पास में रहे, इसलिए ठाकुर जी हमारी झोली में विपत्ति भर दो। हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है, क्या जो भगवान की भक्ति करे उनको विपत्ति विपत्ति आए? बोले नहीं, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पर शिक्षा देती है ठाकुर जी, हमें तुम्हें जिसी अवस्था में क्यों नहीं रखे? इसलिए कहते जिस देश में परिवेश जिसी अवस्था में क्यों नहीं रहते ठाकुर जी, हर समय तेरे भजन करते रहे, तेरे को कभी हम भूले नहीं हैं, तेरे को कभी भूलने नहीं चाहिए, यही चाहिए चाहती है। ये नहीं कहती जो भजन करे उसको घर में विपत्ति आए, ऐसे कोई बात नहीं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, और अली पर जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन सुनो
अभी पितामह भीष्म सरसज्जा में लेते हैं, उनकी भी अंतिम इच्छा है ठाकुर को दर्शन करते करते ठाकुर जी के नाम लेते लेते इस संसार से मैं जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी उनकी इच्छा को समझते हुए समस्त मुनियों को साथ में पांडवों को साथ में पहुंचे कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अभी जितने पांडव लोग थे सबके सब पितामह चरणों को स्पर्श कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण भी स्पर्श किए और कृष्ण अपना परिचय दिए, अर्जुन का सारथी अब का चरण स्पर्श कर रहा है। अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। और तो वही तो चाह रहे थे अंतिम समय में ठाकुर का दर्शन करते करते नाम लेते लेते शरीर त्याग दो। जब सुने अर्जुन का सारथी कृष्ण आ गए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। इतने में श्री पितामह भीष्म नेत्र खोल दिए। जब नेत्र खोले सामने श्री ठाकुर जी को दर्शन किया, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में पितामह भीष्म बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बता रहे थे श्री युधिष्ठिर महाराज को। बोले देखो युधिष्ठिर, समर्थ रहते हुए कभी अन्याय को सहन मत किया कर। लेकिन वहां पर द्रौपदी थी, मुंह में कपड़े रखकर हंसना शुरू कर दी। पितामह भीष्म बोले द्रौपदी तुमने हंसी क्यों? बोले पिताजी कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुम सती साधी स्त्री हो, सती स्त्री बिना कारण की कभी हंसती नहीं, जरूर तुम्हारी हंसने में भी कुछ रहस्य है, बता क्यों हंसी? बोले अभी अभी आप बता रहे थे ना, समर्थ रहते हुए कभी अन्याय सहन नहीं करने का। बोले बात सही है। बोले जिस समय भरी सभा में मेरी वस्त्र हरण हो रही थी, आप भी तो वही थे, आप पितामह थे। अगर एक बोली आपका मुंह से निकल जाती ना, बंद करो, इसका हिम्मत नहीं था मेरे वस्त्र को छूने का, लेकिन आप भी बैठ बैठ करके मेरे वस्त्र हरण को देख रहे थे। बोले ऐसे क्यों? देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले द्रौपदी, ये जो दुर्योधन है ना, ये दुष्ट है, इसलिए इसकी अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। कहते ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे मनेगा मन। अगर शुद्ध उपाय में अर्जित धन को खाओगे, मन स्वाभाविक रूप में प्रभु का भजन में लगेगा, मन भी पवित्र रहेगा। अगर कोई पाप का कमाया हुआ चीज खाओगे ना, कभी मन को भी शांति नहीं मिलेगी, मन भी अशांत रहेगा। इसलिए ये दुर्योधन दुष्ट था, इसलिए इसकी अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि भी दुष्ट हो गई। लेकिन अर्जुन का बाण के द्वारा उसने बाण मार मार करके उसका अन्न से जो बना हुआ खून सब निकल गया, इसलिए अभी मेरे बुद्धि पवित्र हो गया। इसलिए मैं इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी को मैं स्तुति कर रहा हूँ, हैं स्तुति कर रहा हूँ। इसलिए बोले ठाकुर जी, मेरी यही अंतिम इच्छा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं आपको स्तुति करना चाहता हूँ। बोले ठाकुर जी, मेरी एक बेटी है, अभी ये बेटी कुंवारी बन गई, शादी के लायक हो गई। अगर घर में कोई बेटी होता है, पिता का क्या कर्तव्य है? सबसे पहले बेटी को शादी करे, यही नियम है ना। बोले मेरी एक बेटी है, लेकिन जिंदगी भर उसी के लिए मैंने वर ढूंढा, लेकिन उपयुक्त कहीं वर मिले नहीं, लेकिन अभी उपयुक्त वर मिला, चाहता हूं मैं अपना बेटी को शादी करा दे। भगवान बोले भीष्म, उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? पहले इनका नाम था देवव्रत। उनने जो भीषण प्रतिज्ञा की, कभी जिंदगी में मैं शादी नहीं करूंगा, तभी इनका नाम तो भीष्म पड़ा है ना, वो ब्रह्मचारी है। बोले तू तो ब्रह्मचारी हो, तो तेरी बेटी कहाँ से आ गई? बोले पिता ठाकुर जी, बोले इति मति रूप कल्पित कृष्णा, कहते मेरे जो मन है ना, यही मेरी बेटी है। लेकिन ये मन को कहाँ पर लगानी चाहिए? बोले ये मन को मनमोहन में लगा दो। जब तक ये मन को मनमोहन में नहीं लगाते हो ना, कभी भी देखना मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते भैया चिंता मत करो, चिंतन करो। क्या करो? चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता जैसे बीमारी, दुनिया में सब बीमारी का मेडिसिन है, लेकिन चिंता की कोई मेडिसिन है नहीं। इसलिए भैया चिंता मत करो, क्या करो? चिंतन करो। ठाकुर को चिंतन करोगे ना, कहते सब दुख दूर जाए जब तेरे नाम लिया। उसको चिंता करो, ठाकुर जी सब दुख को तुम्हारी हर लेंगे ठाकुर जी।
इसलिए प्रभु मेरा जो मन है यही मेरी बेटी है, इस बेटी के उपयुक्त देखना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल दूसरो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हैं कभी ऐसे चूड़ी पहने कभी टूटे नहीं, ऐसे साड़ी ओढ़े कभी टूटे नहीं, ऐसे पति भरे जो मरने कभी मरे नहीं। कहते ऐसे कौन है? बोले श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही असली पति है। इसलिए बड़ी दिनों के बाद में आज ऐसे पति मिले, प्रभु मैं चाहता हूँ ये मन को ये मन माने के चरण में लगा दे, तभी ये मन की मुक्ति मिल जाएगी। ये मन को तभी तो मुक्ति मिलेगी ना। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले जब जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंते कलेवरम, तम तम एव कौन्तेय सदा तद भावि भावित। कहते अंतिम समय में हम जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ते हैं, गति ठीक वैसे ही होता है। इसलिए अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हुए तो उन्होंने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ विजय सखे रति मस्त में अनबद्ध। बोले अर्जुन का जो सारथी कृष्ण है उनकी चरण में मेरा मन लग जाए। भगवान ने बोले भैया तू अर्जुन का सारथी की चरण में क्यों मन लगाना चाहते हो? बोले प्रभु मैं इस चीज को देखा है, आप कौन हो? विश्व ब्रह्मांड का मालिक आप हो, लेकिन महाभारत युद्ध में क्या काम कर रहे थे? बोले सारथी का काम। बोले सारथी का काम कौन करते? छोटे छोटे व्यक्ति का, छोटे जाति का लोग तो सारथी बनते हैं ना, कहाँ दुनिया के मालिक, लेकिन कहाँ सारथी का काम कर रहे थे। घोड़ा थक जाए तो कृष्ण पानी पिलाया करते थे, घास पिलाते थे, मालिश करते थे, है इतने प्रेम में ठाकुर जी। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के, कहते क्या किए अर्जुन के रथ आके भूल गए ठाकुर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए प्रभु आप पांडवों के लिए क्या अपने नहीं किया, पांडवों के लिए उनका शांति दूत बन करके गए। जब पंच पांडव सो जाते थे आप स्वयं पहरादार दिया करते थे, पंच पांडवों का प्रेम में कितने आप वशीभूत नहीं हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ अंतिम समय में आपको स्मरण करते करते आपका नाम को ले ले करके मैं अंतिम श्वास को त्याग दूँ। ठाकुर सामने खड़े और दर्शन करते करते उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दिया। जितने स्वर्ग में देवता लोग थे उनने पुष्प की बौछार की और पितामह भीष्म को उन्होंने जयकार दिए। बोले पितामह भीष्म की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। बोले ये देवता लोग क्यों जय जयकार कर रहे थे? बोले कारण है, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जन्म जन्म मोनि जत स्वामी जी, आप लोग हिंदी समझते हैं ना? देखो ये लाइन में बहुत अच्छी बात बताई, इसमें दो अर्थ है। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब कोई लोग कहते ना अरे बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत है, हैं अभी तो क्या कर। जिस समय प्रह्लाद महाराज बच्चों को ज्ञान की बात बता रहे थे, बोले बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए। प्रह्लाद ने कहा हमने सुना
भक्ति तो बुढ़ापा में करते हैं, अभी तो हम 5 साल के हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, अरे बच्चे होंगे, जब उनकी शादीशुदा करके जब रिटायर लाइफ भी हो जाएगा ना, एक दो माला सटका लेंगे, ले एक दो माला कर लेंगे। अभी से तुम बोलते हो बचपन से भजन करते, देखो अच्छी बात है, सुनो ध्यान लेकर सुनो, हैं कहते प्रहलाद जी ये बचपन से भक्ति की बात करते हो, देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत लिया दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थत। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बोले क्यों 5 साल से क्यों करें, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। तब प्रहलाद कहते तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, अभी कोरोना आई थी ना, कितने लोग मरे हैं उनको पता था मरने का कोई था। कहते तीसरी लहरी आएगी, ठाकुर का आशीर्वाद और नहीं आए हैं, इसलिए कहते इस बार आएगी तो बच्चों को लेने वाले, इसलिए कहते जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। बोले भाई कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में, कितना लोग बैठ बैठ कर वहीं पर श्वास बंद हो जाते हैं। कहते अगर नहीं होगा तो अगले जीवन में करेंगे। तब प्रहलाद कहते बच्चे तुमको पता है, कहते दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये मनुष्य जो जीवन है ये 1,84,000 ब्रह्म के ये नरक अनुदयी, ये 84,00,000 जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। भगवान राम भी अयोध्या वासियों को यही कहते हैं, बड़े भाग मान सतन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर देवता लोग भी भारत भूमि में हिंदू घर में सनातन धर्म रूप में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में इसे कोई काम नहीं कर मानव शरीर पा सकते, ये जीवन सहज जन्म नहीं। कति साधन धाम मोक्ष कर राम कह रहे, ये मानव शरीर नहीं, ये 84,00,000 जन्म के बाद में मुक्ति की तुम दरवाजा पर खड़े हो, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु सकते हैं, हरि का नाम ले सकते हो। जैसे यहाँ भागवत बता रहे हैं, यहाँ पर कोई कुत्ते गधे सूअर अगर क्या बैठे, अगर कोई सूअर सोचे गधा सोचे, चलो हमारे श्री क्या नाम आपकी सुखबीर प्रभु जी के घर में और इनके घर में भागवत कथा हो रही है, शकुंतला देवी जी के घर में भागवत कथा हो रही है, चलो थोड़ा भागवत सुनवाते हैं। अगर कोई कुत्ता सूअर अगर गेट के पास में आएगा बस घुसने दोगे, डंडा लेकर भगाओगे उसको। इसका मतलब है ये जो सत्संग में कथा में ये मानव के बगैर कोई बैठ नहीं सकते हैं, केवल इंसान ही यहाँ बैठ सकता है। जैसे कथा हो रही है और कोई सुन सकते हैं, कोई और कोई धारण कर सकते समझ सकते हैं नहीं। 84,00,000 जन्म में एक ही हृदय दिए जिस हृदय में ठाकुर का स्मरण कर सकते हैं, दो ही कान दिए जिसमें हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं, दो ही आंख दिए जिसमें ठाकुर जी की हम दर्शन कर सकते हैं। भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये 84,00,000 जोनी पशु पक्षी हो करके ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा तुम पहुंचे हो। अगर ये जीवन पा करके ऐसे खा पी करके जीवन को बिता दिया, भजन नहीं किया, भगवान कहते हैं फिर सर पीटते रह जाओगे, ये मानव शरीर तुमको नहीं मिलेगा, फिर 84,00,000 जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद को बच्चे कहते क्यों, अगले जीवन में भजन करेंगे, अगर नहीं होगा तो अगले जीवन में मिलेगा ही तुमको, मानव से करो मिलेगा ही, ठाकुर देंगे नहीं तुमको, जैसे कर्म करोगे वैसे जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं 5 साल उम्र से प्रभु की भजन में लग जाओ। तब उन्होंने बोले भैया 5 साल से क्यों करेंगे, देखो इसका क्या उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जैसे कोई कोरे कागज हो ना, अब कोरे कागज में अगर कोई चीज लिखोगे स्पष्ट दिखेगा, लेकिन अगर कोरे कागज में एक बार लिखने का बाद अगर दो बार लिखोगे ना दोनों ही जाएगा। जैसे कच्चा मिट्टी, मिट्टी जब कच्चा हो ना उसमें जो बनाना चाहो तो बन जाएगा, लेकिन मिट्टी जब पक जाती फिर उसमें कुछ बनेगी, फिर बनेगा ही नहीं उसमें है। जैसे फूल जब खिला हुआ रहता है हम ठाकुर जी को चरण में चढ़ा सकते हैं, फूल जब सूख जाए फिर ठाकुर का सेवा में लगेगी नहीं है। जैसे बांस जब कच्चा होना और जिधर टेढ़ा कर देना टेढ़ा हो जाएगी, लेकिन जब पक जाए टेढ़ा होगा टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। जैसे कि पौधा एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह में लगाओ छोटे जम जाएगी, लेकिन जब बड़ा हो जाए फिर जमेगा, वो जमेगा ही नहीं, वो जम नहीं सकती है। इसलिए
प्रहलाद महाराज कहते अगर बचपन से जो चीज को अब आदत डालोगे ना, देखना बड़े होकर के वही आदत ही रहेगा। अगर बचपन में अगर कोई भक्ति नहीं करेगा, बोले कि नहीं रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे, बोले भैया सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, जब देखता है ये और 8 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता है, जाओ जो ना हो गया तेरा हो गया, जाओ घर में जाओ, अपना घर में बाप जाओ और तेरे से कुछ होने वाला नहीं। जब साधारण काम से तुम रिटायर्ड हो गए हो, भगवान की भजन क्या करोगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति ये बचपन से 5 साल उम्र से भैया भक्ति करना शुरू कर दो। लब तो उन्होंने लास्ट में एक अच्छे उदाहरण दिया, देखो क्या उदाहरण देते हैं। कहते तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले देखो मैं तुम्हारी संपूर्ण जीवन का मैंने हिसाब देता हूँ। मानो एक व्यक्ति साल साल जिंदा रहेगा, कितना साल जिंदा रहेगा 100 साल। लेकिन आधा दिन आधा रात है, दिन आधा आधा रात है ना, आधा रात को सो सोकर जल जाएगी, फिर 100 साल रहेगा तो 50 साल तो सोकर गया, रात में गया, अभी 50 साल बाकी रह गया। जैसे बच्चों का जो बचपना 10 साल तक बचपना रहता है, बच्चे खेल कूद करके बिता देता है, 50 10 कितना हो गया 60, कम से कम 20-25 साल तक तो पढ़ाई के लिए लग जाता है, कोई सीए करे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनना चाहे, 25 साल तक कम से कम लगता है। 50-25 कितना हो गया 75 हो गया, अब कितना उम्र बच गया 25। अब देखना 80 साल से लेकर के 100 साल तक, अभी तो कोई 100 साल जिंदा नहीं रहते, 60-80 साल में खत्म हो जाते हैं। कहते 80 साल से लेकर 100 साल तक जो उम्र है ना वो बुढ़ापा है। अब देखना काम कान में सुना नहीं पड़ता है, आँख में देखने को नहीं मिलता है, घुटने में दर्द हो गया, बैठ तो उठा नहीं जाता है, देखना केवल शरीर का बीमारी चिंता में लग जाती है। 20 साल तो बीमारी जाता है, बीच में 25 साल है, 25 साल में कितने काम है, लिखाई पढ़ी करना, बच्चों को शादी करवाना, बच्चों को पढ़ाई करना, दुकान मकान करना, कितने उसकी काम है। प्रहलाद ने बताओ बताओ तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, कहाँ तुम्हारी समय जो बुढ़ापा में तुम भजन करोगे। इसलिए बच्चे भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से शुरू कर दो, तुमको इसी जीवन में प्रभु को प्राप्त करना है, और किसी जीवन में प्रभु प्राप्ति नहीं होता है। अब देखना आप जैसे जिसको थोड़ा उम्र हो गया है, अब समझो मैं 10 मिनट बैठ करके थोड़ी सी ठाकुर का स्मरण करेंगे, अब स्वयं देख लेना, अब आंख बंद करोगे ना देखना 1 मिनट भी मन नहीं लग गया। बोले क्यों, अंदर में जो भरा होगा तो रील में जो भरा होगा तो ही तो निकलेगा ना। अगर जीवन में भजन करते तो भजन निकलता, लेकिन जो जीवन में भजन किया ही नहीं, देखना आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती काम धाम यही याद आएगा। क्यों, जिंदगी में भरे तो यही चीज रील में जो भरा होगा तो ही आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से शुरू कर दो, प्रभु की भक्ति। ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसीदास हनुमान इनकी जीवनी पढ़ो, कौन सा उम्र में भजन किया बताओ, एकदम बाल्य बचपन से ही भजन किया है। इसलिए यहाँ पर श्री कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कहते जन्म जन्मांतर जब मुनि जतन करते हैं फिर क्या होता है, बोले अंतराम कही, फिर अंतिम समय में राम का नाम आएगा, बोले राम नाम कहीं आवतन है, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवतन आई, मुनि लोग भाई जन्म जन्मांतर के जतन करते हैं तब भी अंतिम समय में ठाकुर का नाम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी साक्षात खड़े हुए, पिता महाभीष्म ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, मुंह से ठाकुर का नाम ले रहे हैं, बस ठाकुर का नाम लेते लेते संसार से पार हो गए। इसलिए देवता लोग बोले कितने पितामह भीष्म भाग्यशाली, ठाकुर का दर्शन करते करते अंतिम श्वास गया है। बोले श्री पितामह भीष्म की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी यहाँ पर श्री कहते महाभारत की कथा आती है, ये महाभारत कथा कभी भागवत में जो श्रोता परिचित महाराज और जो बत्ता श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, ये यहाँ पर श्री इनकी बत्ता और श्रोता की कथा आती है। कहते श्रोता कौन, श्री परिचित महाराज,
मतलब अभी महाभारत का मोर कथा लिया है, कहते जब ये महाभारत हुई है, देखना ये महाभारत दो कारण से हुई है, एक अच्छे तरह से सुना, आप बता सकते हैं महाभारत क्यों हुई है, क्या दो कारण था, आप बता सकते हैं? हाँ, इसलिए पहला कारण था द्रौपदी ने दुर्योधन को इतनी सी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा। अब देखना कभी कभी हमारे संसार में भी केवल बोली, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, जैसे अंगुली में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथों में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी हम बैठे हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, इसमें हड्डी नहीं बता, कहते ये जीवा में हड्डी नहीं, देखना ये जीवा कभी चुप नहीं बैठती, जब बैठे ना जरूर कुछ ना कुछ बोलना, लपड़ लपड़ कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। इसलिए द्रौपदी ने किया कि इतनी सी बात बोल दी, अंधा के बेटा अंधा, बस दुर्योधन ने कहा अंधा का बेटा अंधा होता है, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश की, अंधा का बेटा अंधा होता है, लेकिन यही क्या कारण बन गया महाभारत। देखना हमारी घर में भी इसलिए कभी कभी महाभारत होती है, कुछ बात नहीं, बहू ने सास को नहीं तो ससुर को थोड़ी सी वैसे जीवा ठीक हो गया, कोई हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस बोले बहू ने हमें ऐसे बोली, सास ने हमें ऐसे बोली, देवर ने हमें ऐसे कहा, ननंद ने हमें ऐसे बोल दिया, देखना घर में भी महाभारत होना हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते, देखो माताओं को विशेष करके, भैया जीवा को ज्यादा मत चलाया करो, ज्यादा समय हो तो प्रभु का नाम जप करो, देखना बिना कारण से नहीं तो हमारे घर में भी महाभारत शुरू हो जाएगी। और दूसरा कारण क्या था महाभारत का, दुर्योधन चाह रहा था ये सारे संपत्ति मेरे को मिले, और किसको बोले ना, जब कृष्ण शांति दूत बन करके आए, बोले भैया पांडवों को ज्यादा चीज की जरूरत नहीं, पांच गांव दे दो सारे तुम लोग भोग करो, लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले, बोले बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तुम्हें तैयारी नहीं, तो पांच गांव आ गए युद्ध हुआ ना, इसलिए कभी कभी चाहते सारे संपत्ति हमें मिल जाए, केवल ये दो कारण से ये महाभारत हुआ है। अभी महाभारत का अंतिम युद्ध है, भीम और दुर्योधन में लड़ाई हुई, गदा युद्ध हुई, गदा युद्ध में नियम होता है कमर का नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए, लेकिन भीमसेन ने क्या किया, दुर्योधन ने कहा था ना द्रौपदी को विवस्त्र करके दुशासन को बोले बोले जंघे के ऊपर बैठा दो, उसी समय भीम ने क्या प्रतिज्ञा की, बोले जिस जंघे के ऊपर भी तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते हो घोर युद्ध में तेरे जंघा में तोड़ दूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए भीम ने क्या की गदा घुमा घुमा करके उन्होंने मारे, किसको दुर्योधन को मारे, और वहीं पर उनको गिरा दिया, जब गिरा दिया सब शाम हो गया, इतने में गृध सियार कुत्ते सबके सब मांस खाने के लिए आ रहे हैं, दुर्योधन किसी तरह से अपने आप को बचाव कर रहा था, इतने में अश्वत्थामा आया, बोले अश्वत्थामा बोले दुर्योधन तू मेरे को सेनापति पद में अगर नियुक्त तो करते ना पांडवों को मैं कब खत्म कर देता, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या, बोले एक ही इच्छा है, बोले क्या इच्छा है, बोले आश्चर्य की बात है हम 100 के 100 भाई मारा गए, लेकिन ये पांडवों का जो बाल भी उनका नहीं हुआ, बड़ा आश्चर्य की बात है, बोले ऐसे क्यों नहीं हुआ, देखो इसका कारण बताते हैं, कहते जब महाभारत युद्ध से पहले कुंती अपना पांडवों को लेकर के आया, बोले कन्हैया ये मेरे 5 बेटे को मैं तेरे को हवाल कर रही हूँ, मेरे बच्चों को तुमने रक्षा करना, भगवान ने कहा मैया बुआ जी अगर ये विश्व अगर प्रलय भी हो गया तुम्हारी 5 बच्चों का बाल भी कोई बांटा नहीं कर सकते, कहते ना जाकर आके साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह, यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर हम भी ठाकुर का शरण में आए ना हमारी कोई भी दुनिया में कोई उदाड़ नहीं सकता, ये दुर्योधन यही कह रहा है 5 के 5 जिंदा कुछ भी नहीं हुआ 100 के 100 भाई मारा गए, बोले बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या, बोले अगर पांडवों का एक भाई का अगर मृत्यु में देख लेता ना मैं चैन से प्राण छोड़ देता, बोले कोई चिंता मत करो तुमको दिखाता हूं, इसलिए उन्होंने अपना खून से तिलक लगा दिया, लेकिन वो कौन थे अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ये खून किया ये खून ये तम गुण है, अगर किसी खून से किसकी तिलक लगाओ क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अभी उस अश्वत्थामा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, और उसने गए जाकर क्या किया उसी
कृष्ण ने पांडवों को घर से लेकर चले गए घूमने के लिए। द्रौपदी को पास में इनके पांच बेटे सोए हुए थे, दुर्योधन का भीम का बेटा भीम जैसे, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसे। सोचा शायद पांडव सो रहे हैं, पांच पांडवों का सर काट कर उसने लेकर के आ गए। बोले दुर्योधन, जिंदगी भर जो तुमने काम नहीं कर पाए, एक रात में इनको काम कर दिया। बोले क्या किया? बोले तू सोच रहा था एक का मृत्यु ना, तो पांच पांडवों को मैंने गला काट करके ले आया। दुर्योधन को वरदान था वो तब भी मरेगा हर्ष और शोक, ये दो अवस्था में मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। लेकिन जब सोचा पंच पांडवों का सर काट करके ले गया, इतने खुश हो गया उसने। बोले भीम का सर मेरे को दे दो, क्यों? अकेला ही उसने मेरे सौ भाइयों को मारा, सबसे जो बड़ा सर था ना भीम का बेटा, उनने सर को दिया। दुर्योधन दबाया क्रोध से, एकदम दही हो गया, पीस गया। ये कभी भी भीम का सर नहीं, क्योंकि मैंने कितने गदा प्रहार की लेकिन टसर नस भी नहीं हुआ, मैंने थोड़ी सी दबाते चकनाचूर कैसे हो गया, हो ना उनका बच्चे तो नहीं। इतने में आकाश में बिजली चमकी तो देखा सचमुच से पांडवों का बच्चे है। बोले अस्वस्थमा, मेरे बैरी पंच पांडवों के साथ में, बच्चों के साथ में नहीं, उनका बच्चे भी हमारे बच्चे लगते हैं, हम तो हमारे बच्चे तो सब मारा गए, अभी इनकी बच्चे थे, मरने के बाद बेटा है तो पिंड देता है ना, बेटा है तो देता है, तुम्हारे हमारे बच्चे को नाश कर दिया तुमने, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इतने में जो भाग दिया, इतने में अर्जुन जा करके उसको पकड़ करके जानवर जैसे बांध करके ले आए। बोले द्रौपदी, इसकी सर को पीढ़ी बना करके तुम बच्चों का तर्पण करो। इतने में द्रौपदी तो द्रौपदी ना, संत हृदय बड़े कोमल होता है संतों का। द्रौपदी बोले छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, मेरे को पता है बच्चे मरने के बाद माँ की क्या स्थिति है, मेरे पांच पांच बच्चे मरे और अभी कृपि अभी है, इनकी अगर बच्चे मर जाएगा तो माँ को कितना कष्ट होगा मेरे को पता, इसलिए इसको मुक्त कर दो। इतने में भीम आया, बोले मुक्त कर दो, सोया हुआ बच्चों को मार दिया, मुक्त कर दो, अब भी मैं मारता हूँ। बड़े बड़े दिनों में कृष्ण का चार हाथ काम में आए, द्रौपदी को थपथप लगा करके समझा रहे थे और भीम को रोक रहे थे। बोले अर्जुन, नियम है जो ब्राह्मण भले ही जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, जितने गंदा काम क्यों नहीं हो, कहते ये नमो ब्रह्मण देवाय, ब्राह्मण का देवता कृष्ण है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जान से नहीं मारनी चाहिए। इतने में अर्जुन ने उसको बड़ी तरह से अपमान करके निकाल दिया और सर से मणि ले गई। लेकिन जो दुष्ट है ना, वो अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है। बोले आज मैं पांडवों को निर्वंश कर दूंगा, क्यों? अभी अभिमन्यु का जो पत्नी द्रौपदी गर्भवती, उसकी पेट में केवल कौन है, ये परीक्षित महाराज। बोले अगर इसको मार दूं ना, बस वंश खत्म हो जाएगा। उसने एक साथ में छह ब्रह्मास्त्र चलाया, एक तो उत्तरा को प्रति और उन्होंने पांडव को प्रति, पांडव अस्त्र को रोक लिया और एक अस्त्र उन्होंने उत्तरा को प्रति दौड़ा। इतने में उत्तरा भागते हुई, रोते हुई, बिलखते हुई कृष्ण शरण में आ गई। बोले प्रभु, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, अगर हमारी पांच अगर मेरा बेटा मर गया तो पांडव का वंश समाप्त हो गया, इसलिए मेरे बेटे को रक्षा करो। ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करते हुए गदा घुमा घुमा करके उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाया। जब परीक्षित महाराज जन्म हुए, गर्भ में ठाकुर को दर्शन किया था, वो सब को परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम हो गया श्री परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। कहते भागवत का ये हो गए श्रोता। बोले भागवत का वक्ता कौन है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि जन्म से ही जो 16 साल तक गर्भ में रहे और जन्म होते ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए थे, व्यास देव का चार ही चले थे। बोले बच्चों, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, मेरे तोता को वापस ला सकते हो? बोले जंगल में बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें चारों को चार मंत्र सिखा देता हूँ, जो ये मंत्र सुन करके पकड़ में आ जाए समझना यही तोता है। तो उन्होंने पहला जो शिष्य को उन्होंने मंत्र दिया,
कृष्ण देखने में कितने सुंदर है। अभी ये जंगल जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते चार शिष्यों ने ये मंत्र को बोल रहे थे, बोले पहला मंत्र क्या है, बोले बरहा पिलम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास तनक विषयम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणु रदर सुधया पुरयान गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये श्लोक में कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण की बांके बिहार की सुंदरता वर्णना की गई। कहते ना बांके बिहारी के देख छटा
लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए पहला चेले को उन्होंने पढ़ाया था कृष्ण कितने सुंदर है। अभी उनकी सुंदरता को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पहले वो ब्रह्म चिंता में थे, जो ब्रह्म ही वो निराकार निर्विशेष, उनमें कोई रूप नहीं गुण नहीं। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को सुने, उन्हें तो निकल करके आ गए, बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला? बोले हमारे गुरु जी बोले मेरे कहिए कि तोता उड़ते हुए चला गया, तोता को पकड़ कर ले आओ। बोले ये श्लोक सुन करके जो अपने आप पकड़े में आए, समझना ये मेरी तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। बोले देखो अभी तो मैं एक का नौकरी कर रहा हूँ, ये ब्रह्म का, अभी उसकी नौकरी छोड़ करके अभी बांके बिहारी का नौकरी करूंगा। बोले हाँ। बोले जो देखने में बड़े सुंदर है, बताओ तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पर? उनका जो दूसरा शिष्य में थे था, उसने बोले बोले जय जन्म सुंदर उदाहरण देकर समझाए। जैसे आप अपना बेटी को शादी कह देना चाहते हो, हाँ बताओ सबसे पहले क्या देखोगे? वो देखने में कैसे, भले ही कोई चीज मत देखो, हेलो भैया बेटा देखने में बड़े सुंदर है, उसका पर्सनालिटी बड़ा सुंदर, सबसे पहले ही देखोगे ना। इसलिए कृष्ण है, अभी कृष्ण को साथ नहीं, अभी उनको संबंध जोड़ना चाहते हो, इसलिए कृष्ण देखने में कैसे बड़े सुंदर, कृष्ण उनका जैसे तो सुंदर जगत में कोई है नहीं। इसलिए बांके बिहारी की देख छटा और मेरा मन है गयो लटा बटा। इसलिए उन जिस सुंदर कोई नहीं, पहले देख लिया भैया बेटा देखने में सुंदर, दूसरी चीज क्या देखोगे? कोई काम धाम कर जाएगी, ऐसे नहीं बेटी को शादी दूंगा और बेटी भूखे तो नहीं मर जाएगी, कोई काम धाम करता है कि नहीं पहले देखोगे ना, भैया क्या काम करता है, नौकरी चाकरी क्या करता है, हैं? इसलिए कहते वो रहते हैं कहाँ पर? बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन कैसे है? बोले एक लक्ष्मी नहीं, जहाँ पर करोड़ों लक्ष्मियां जहाँ पर झाड़ू लगाती हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष है। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत पत में श्री राधे राधे होई। भैया वहाँ भूमि चिंता मणि है, पानी अमृत है वहाँ के, कहते अगर बेटी को शादी दोगे ना राज रानी बन करके रहेगी, हैं? इसलिए दूसरे चीज, फिर तीसरी चीज क्या पूछोगे? तीसरी चीज पूछोगे उसका परिवार कैसे, ऐसे नहीं सास बड़े लड़ाकू हो, ननद उससे भी ज्यादा तेज हो, ससुर भी लड़ाकू हो, जेठ भी बड़े लड़ाई करने वाले, फिर बेटी को शादी दोगे? नहीं देंगे। इसलिए बोले बताओ उसका परिवार कैसे, जो तीसरा चला था ना, तीसरा श्लोक बोल दिया, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले उसकी जो सास है ना, उसका नाम है यशोदा। यशोदा मतलब क्या? सबको जो जस देती है, सबको आदर देती है। बोले उसकी पिताजी का नाम क्या है, पति का नाम? बोले नंद। बोले नंद मतलब क्या? सबको जो आनंद दे, कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सबको जो आनंद दे। बोले भैया जेठ कैसे? बोले दाऊ दया, दाऊ बोलते ना बलदेव प्रभु को, दाऊ दयाल, उनके जो जेठ बड़े दयालु था, परिवार भी बड़े सुंदर है। देखो बेटा देखने में सुंदर, पैसा भी बढ़िया कमाता है, परिवार भी सुंदर है, लेकिन जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने चौथा प्रश्न किया, अगर मैं ब्रह्म का नौकरी छोड़कर उसका नौकरी करूंगा, ऐसे नहीं दिन पर माल पीकर सोता तो नहीं, बात बात में क्रोध आकर पिटाई तो नहीं करता है, हैं? बड़े क्रोधी तो नहीं, दिन भर जुआ तो नहीं खेलता है? अगर बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं, जितने पैसा क्यों नहीं कमाते,
अगर ये चीज देखोगे फिर बेटी को शादी को जरूरत पैसा तेरे पास में, हमारी पैसा की जरूरत है। हम तो चाहते जिसकी स्वभाव बड़ा मीठा स्वभाव हो, बड़े प्रेम करने वाले होने चाहिए। इसलिए 14 शिष्य ने 14 श्लोक बोल दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाध्य। बोले उनकी दया की बात बताएंगे कि आज इतने कृष्ण दयालु, इतने दयालु दुनिया में ऐसे दयालु कोई नहीं। पुतना जब आई थी कृष्ण के पास में, काल को भी चेहरे लेकर के मारने आई थी, राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली, सारे दुर्गुण दुर्गुण उसके अंदर में था। लेकिन हमारे बांके बिहारी इतने दयालु, कहते गुना अवगुण प्रभु देखो ना था। ठाकुर जी किसके अवगुण का प्रति नजर नहीं देते, उसकी जो थोड़ी सी गुण है ना, वो थोड़ी सी जो कृष्ण को गोद में लिया, एक सेकंड के लिए कृष्ण को पुत्र भाव से देख लिया, भगवान किसी से ही रीज गए और गोलोक वृंदावन ठाकुर जी दे दिया। जब इतना सुना सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके वहीं से भागे, वहीं से बोले भैया ऐसे कृष्ण को छोड़ करके, बांके बिहारी को छोड़ करके और किसको भक्ति करोगे। इसलिए भक्ति करना है तो किसको भक्ति करो, श्री बांके बिहारी को भक्ति करो। बोले श्री बांके बिहारी की, बोले जय जय श्री राधे। इसलिए अभी कहते भागवत कथा का वक्ता कौन है, बोले सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी। बोले श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज जैसे जिसने गर्भ में जिसने ठाकुर का दर्शन किया। भागवत के श्रोता जितने बड़ा वक्ता भी उतना बड़ा दोनों बड़े हाई भाई श्रोता वक्ता है। अभी जिस समय श्री परीक्षित महाराज को कहते श्री पंच, जिस समय कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए, इसको सुनते ही माता कुंती उसी समय शरीर छोड़ दिए। बोले क्यों, बोले इनका जो जीवन था ना कृष्णगत प्राण है, जो भगवान ही नहीं रहे कृष्ण ही नहीं रहे ये शरीर रख कर क्या ला। मैया कुंती शिक्षा देती है, देखो ये जीवन को तभी धारण करनी चाहिए अगर ये शरीर से ठाकुर का भजन होता है। अगर ये शरीर से भक्ति नहीं हो, सुतो गोस्वामी कहते बोले करवा क्यों न जीवंती, अगर जिंदा रहना बड़ी बहुत बड़ी बात होता। देखो बरगद पेड़ देखो, पीपल पेड़ हजार हजार साल तक जिंदा रहते हैं। अगर खाना पीना हो यही अगर जीवन का सर्वस्व हो, जानवर क्या खाते पीते नहीं, जानवर हम तो कितने कष्ट करके पैसा कमा कर खाते, मतलब जानवर कौन सा स्कूल कॉलेज में जाते, क्या नौकरी करते, जहाँ मिला वहीं पर खा लिया। अगर सोना अगर सर्वश्रेष्ठ हो, जानवर क्या सोते नहीं, बच्चे अगर जन्म देना श्रेष्ठ हो तो बताओ सुअर को देखो, दस दस बार बार एक साथ में बच्चा देते हैं, एक महीना में बड़ा कर देते हैं। हम तो एक बच्चे को 20-25 साल में कहीं बड़ा बनाते हैं। कहते हैं भैया जीवन धारण करना तभी सार्थकता है अगर ये जीवन पा करके भगवान के अगर भजन हो तो, तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है। कुंती मैया ने उसी समय उसने शरीर को छोड़कर चली गई। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे हम रह कर क्या करेंगे, तब उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को ने राज्याभिषेक करते हुए चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा हमारा देश में बड़े अपशकुन दिखाई पड़ रहा है। बोले हमारे देश में उनको बाम आंख फड़क रहा था, बाम भुजा फड़क रहा था, ये पुरुषों के लिए अमंगल है। तब उन्होंने देखने के लिए गए तो उन्होंने एक आश्चर्य चीज देखा। बोले क्या देखा, बोले एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, देखा एक बैल का 3 पैर नहीं वो 1 पैर में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो 1 पैर को भी मार मार करके उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। वो जो बैल था ना वो टाटी पेशाब को कर रहा था, बड़ी जोर जोर से रो रहा था। परीक्षित महाराज बोले मेरे देश में इतने अन्याय, उन्होंने म्यान लिखा है तलवार से झपट पड़ गए, तू एक और मेरे देश में गैया के ऊपर अत्याचार। इतने में वो था कली, वो सीधा चरण में गिर पड़ा, सीधा चरण में गिर पड़ा। बोले मेरे को माफ कर दो। बोले ये गैया कौन है, बोले ये साक्षात माँ प्रीति। बोले ये क्यों दुखी, बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलियुग आएगा, कलियुग में लोग बड़े बड़े पाप कर्म करेंगे, इसलिए ये पृथ्वी दुखी हो रही है, ये पाप कर्मों को मैं कैसे सहन करूं। बोले ये बैल कर, बोले ये धर्म, बोले 3 पैर कहाँ गया, बोले सत्य त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, इसलिए धर्म का 3 पैर खत्म हो गया, अभी धर्म 1 पैर में खड़ी। बोले तू कौन,
बोले मेरे बल बोले तू क्या कर रहे हो, बोले कलयुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, ये धर्म कर्म खत्म कर दूंगा। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं हूँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, निकल जाओ मेरे सामने से, जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाऊँ, तेरी इच्छा जहाँ पर। बोले अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राजत्व है। जो परीक्षित महाराज थे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंडन, फ्रांस, ये जितना देश है ना, उसी समय इस सब के सब एक ही था। बोले संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर उनका राजत्व थी। बोले जाओ का पृथ्वी में तो आपका ही राजत्व है, जहां जाता हूँ आपको वहीं पर धनुष धारण करते हुए देखता हूँ, इसलिए सबको स्थान दिया, मेरे को स्थान दे दो। परीक्षित महाराज ने देखा ये कलयुग में गुण किया और दोष किया, देखा इसमें तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है। बोले क्या गुण है, अगर कलयुग में बोले कले दोषराज अस्ति एक महान गुण, दोष ही दोष है लेकिन एक गुण है, अगर कीर्तना देव कृष्ण से, अगर कलयुग में थोड़ी सी प्रभु का कोई कीर्तन कर ले, सत्ययुग में था ध्यान, कलयुग का लोग ध्यान नहीं कर सकते, त्रेता में था यज्ञ रोज और कहां से इतना पैसा मिलेगा, द्वापर युग में अर्चन पूजा पंचामृत धूप कहां से पैसा मिलेगा, लेकिन देखा कलयुग में लोगों को ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी हरि कीर्तन करने से ही इनका उद्धार हो जाएगा। और कलयुग में साक्षात चैतन्य महाप्रभु आएंगे, आकर के जगत में सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करेंगे। ये कलयुग में ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं, वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करेंगे। इसलिए कली को बोले भैया तू तेरे में बहुत गुण है, क्यों कलयुग का जीव तो और कोई कष्ट कर ही नहीं सकता है, थोड़ी तो हरि कीर्तन कर सकता है ना, इसलिए बोलिया भाई तू रह जा तू। इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। अभी ध्यान देकर के सुना, कली को उन्होंने कहाँ स्थान दिया है, जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर अगर सचमुच से आपको बीमारी सही करना चाहते हैं ना, परहेज बोलेंगे, बोले भैया दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे तो दवा जल्दी असर करेगा। कलयुग में दवा किया बोले ठाकुर का नाम सबसे मीठी दवा, बोले परहेज को साथ में लेंगे तो ये हरिनाम बहुत जल्दी असर करेगा। बोले परहेज क्या, बोले चार नियम है, पहला नियम है जुआ मत खेला, धर्म का पहला चरण सत्य। आप देखना जो ये लटरी जुआ शेयर कंपन तरह तरह का जुआ तरह तरह का चीज में, इसलिए जो लोग ये सब काम करते हैं ना, आप देखना वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ को बड़े झूठ झूठ को बड़े झूठ बोलते हैं। इसलिए जो जुआ खेलेगा पहला धर्म का चरण है सत्य, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शिक्षा दिया, देखो मैं स्वयं धर्म राज हूँ, इसका इको कम कर दो, इसलिए मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, देखो ये जीवा खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गई। अब महाभारत सुने ना, पहले राज्य को लगाया राज्य गया, उसको बाद में सारे धन संपत्ति लगाया गए, फिर पंच पांडवों को भी जुआ में दे दिया वो भी गए, दुर्योधन ने किया तुम्हारे पास में सबसे बड़े संपत्ति अभी भी है, कौन बोले द्रौपदी पत्नी को भी लगा दिया उसको हार गया, फिर भरी सभा में क्या हुआ द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर क्या हुआ बोले 12 साल तक वनवास और 1 साल तक विराट राज्य नौकरी करना पड़ा, कहां भी रसोई काम करता था, सर्वश्रेष्ठ गांधी घर क्या करता था बृहमला बन करके नृत्य विद्या सिखाया करता था, धर्मराज युधिष्ठिर कंक बन करके पासा खेलते थे, नकुल सहदेव जैसे घोड़ाशाला में काम सिखा देते हैं, अगर जुआ खेलोगे ना इतने नीचे तक तुम उतर सकते हो, इसलिए खबरदार ये सब जुआ ठाकुर जो दिया ना उसमें शांति मेरा हो, ये मत समझो एक रात में पूरा पूरा अरब खरब पति बन जाएंगे, नहीं ज्यादा उस चक्कर में नहीं फंसनी चाहिए, ठाकुर जो दिया है हैं उसी से ही खुश रहो, अब कम से कम रोटी दाल रोटी तो मिलनी चाहिए हैं, उसी में ही संतोष होकर रहो, नहीं तो इतने नीचे तक उतर सकते हो, इसलिए बोले ये पहला नंबर है। दूसरा है पानम, पानव मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए हैं। और जो तीसरा नंबर है स्त्रियम, कभी ये नशा लेने से क्या होगा बोले धर्म का जो दूसरा चरण है कहते तपस्या, तपस्या नहीं कर सकते, भजन कब होगा, मन जब स्थिर हो तभी तो भजन करोगे ना, अगर नस्ली वस्तु लगे तो बुद्ध तो विकृत रहेगा, कहाँ ठाकुर को चिंता करोगे। तीसरा नंबर है कहते ये
जो शराब है ना, शराब भी नहीं लेनी चाहिए। संत लोग कहते हैं जो शराब लेगा तीन लाभ है। कितना लाभ है बोलो, कितना लाभ है, क्या तीन लाभ? पहला नंबर, वो बूढ़ा नहीं बनेगा। तीसरा नंबर, घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा नंबर है, कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। मतलब क्या है? कहते पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहेगा तो बूढ़ा होगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आए, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कभी 25-30 साल। मैंने कहा इसके पिताजी कहाँ? बोले मर गए। बोले कैसे? बोले पीते थे। बोले इतना पीते थे, इतना पीते थे, दोनों लीवर ही खत्म हो गया। फिर उसको बाद में बहुत पैसा हमने खर्चे किया और उसको बचा नहीं पाया। इसलिए कहते हैं बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या? बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर दो, चोरी किस चीज की होगी। तीसरे नंबर, कुत्ते दोस्त बन गए, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा रोड में, कुत्ते आकर मुंह चाट जाएगी, नहीं तो पैसा कर। इसलिए ये सब गंदी चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात को देखो, देखो पिता माता को ऐसे कोई काम पिताजी को नहीं करने चाहिए जो बच्चे के ऊपर में कोई बुरा प्रभाव पड़े। पिता पहला गुरु कौन है बताओ? माता पिता पहले गुरु है ना, कौन पहला गुरु है? माता पिता पहला गुरु तो माता, उसके बाद में पिता है। अभी बच्चा किससे सीखेगा? पिता माता जी से सीखेगा। अभी पिता माता जो करेगा बच्चे तो वही करेगा। इसलिए हमें ऐसे कोई काम मत करो हमारे बच्चे बिगड़े। देखो मैं विदेश जाता हूँ, एक विदेश में एक पार्क ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर एक परिवार है। देखो घर में क्या हुआ है, उसकी जो माता जी जो पत्नी वो बड़ी गुजराती का दोनों पति पत्नी, वो स्कूल में जाती थी, गौरिया मठ में आती थी, भजन करती थी। और उसके पिताजी, उसका कपड़े का बिजनेस है, पैसा कमाता है, लेकिन वो पिता था। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा पिताजी का फॉलो करता है, छोटा बेटा माँ को फॉलो करती है। अभी उसको पिताजी पिता था, पत्नी बड़ी मना करते थे ये चीज़ को मत किया करो, बच्चों को बड़े बुरे आदत पड़ेगा। लेकिन वो सुनते नहीं, पीते थे। जब पीते थे, एक दिन बच्चा भी पी करके आया, पिता जितना उससे ज्यादा पी करके आया, तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वो गिरते लुढ़कते गिरते गिरते आए, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अभी उसको जो पिताजी जो पीते थे, उसने कहा जब देखा उसका बेटा भी पीना शुरू कर दिया, और पिता बेटा दोनों ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। इतने में उसने देखा भैया घर तो शमशान बन गया, शमशान बन गया, घर में लड़ाई झगड़ा अशांति घर में। इसने देखा मैंने गलती काम किया, पत्नी की बात मैंने नहीं सुना। अभी पिता बच्चे को कब बोलेगा मत पियो? खुद जब पिएगा नहीं तभी तो बोलेगा। खुद जब पिता है बच्चे को बोल सकता तो मत पिया करो, वो बोल नहीं सकता। उसने समझ गया मैंने गड़बड़ी की है। फिर उसने धीरे 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 कोशिश किया शराब को छोड़ने के लिए, छोड़ करके फिर बेटे को भी समझाना शुरू कर दिया। ले बेटा ये गंदी चीज है, पहले मैं भी लेता था, इसलिए मैंने लेने का वजह से तेरे को बोल नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, क्यों तेरे तो मेरे से ही तुम सीखे हो, पिता माता पहला गुरु है, इसलिए बच्चा छोड़ दे। फिर इसने छोड़ दिया, अभी पूरा परिवार भगवान की भक्ति करते भजन करते। इसलिए पिता को इसे कोई काम नहीं करनी चाहिए जो कि बच्चे का जीवन को बिगाड़ ना करे। कहीं भी इसे गलत काम हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये नस्ली वस्तु हमें त्याग देनी चाहिए। तीसरी वस्तु स्त्रियों, बोले स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों के ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का संगत करते हैं, संसार करो शादी करके धर्म पूर्वक अपनी पति पत्नी की पति पत्नी रूप में अपना घर गृहस्थी बनाओ। ऐसे नहीं बगैर शादी के दूसरे पुरुष में, बगैर स्त्री में दूसरे स्त्री व साथ में, तुम अवैध संबंध कर, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। और चौथा नंबर बताए जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब होता है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए इसका नाम है मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको खा रहे हो बाद में तुमको फिर जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मीट, मीट मतलब क्या? मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, तो मुझे खाओ उल्टा दो ईट मी, तो जिसको तुम खा रहे हो बाद में फिर वही तुमको खाएगा। इसलिए जीव हिंसा को बताए सबसे बड़ा पाप, ये जो चार पाप बताया, कभी ये जीव हिंसा में और सारे पाप इसी में ही है। सबसे बड़ा पाप बताइए जीव हिंसा है। इसलिए ये चार चीज को अगर नियम का पालन करते हुए
थोड़ी सी ठाकुर का नाम लो बेटा हमारी पार हो जाएगा। लेकिन तल तब भी ये कली खुश नहीं रहा, बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढू है, कौन शराब पी रहा है, कौन अवैध स्त्री संग, कौन जुआ, मेरे को एक स्थान दे दो जहाँ पर सब मिल जाए। तो उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया। सुवर्ण मतलब पैसा। आप देखना अक्सर करके प्राय करके जहाँ ज्यादा ये पैसा है ना, आप देखोगे ये सारे अधर्म काम वहीं पर है। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, बोले पैसा तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी में कैसी ये चीज हो सकती, लक्ष्मी तो राधारानी है ना, कहाँ ये अधर्म हो सकती है। बोले वहीं पर ये अधर्म होती है जहाँ ये लक्ष्मी तो ठाकुर जी की लक्ष्मी है, लेकिन जहाँ ये लक्ष्मी को हम ठाकुर जी को सेवा में जहाँ नहीं लगाते हैं वहीं पर ही ये पाप कर्म। इसलिए पैसा जो कमाते हो ये समझो पैसा हमारी है ही नहीं, पैसा लक्ष्मी नारायण की है, ये ठाकुर को सेवा के लिए। जब ये लक्ष्मी ठाकुर को सेवा लगे फिर घर नहीं, हमारे घर को भगवान की वैकुंठपुरी बना देगा। इसलिए चार नियम पालन करते हुए क्या करो, भगवान की नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा मनमोहन, कृष्णा हरे हरे मनमोहन, हरे राम राम राम। अरे बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठाकुर जी बोले ये कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर का नाम। जो कुछ काम करते हो हाथ में ठाकुर का सेवा मान कर करो, और जो मुंह में क्या करो ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में नाम, इसमें तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। और ज्यादा कोई परिश्रम कलयुग में नहीं करने का जरूरत, ठीक है। अब देखो कल है भागवत कथा में भगवान कन्हैया जन्म लेंगे, भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। देखो जब मैया जशोदा गर्भ धारण की ना, पृथ्वी के 33 करोड़ों देवता भी सबके सब भगवान की जन्म उत्सव में सबके सब आए। इसलिए कल भगवान जन्म लेने वाले ठाकुर जी, इसलिए आप लोग सबके सब गोपी भाव से आना, क्योंकि ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे, ठाकुर जी और किसी चीज के भूखे नहीं। इसलिए कल जब मैया जशोदा गर्भ धारण की 6 महीना पहले से ही ब्रज की जितने गोपियां थी ये सब के सब 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम पहन करके बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल ठाकुर जन्म लेंगे, हम लोग भी 84 गज के लहंगा पहन कर गया एक नहीं लहंगा घर में। इसलिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसलिए आप लोग कोशिश करना पीला रंग के साड़ी, ठीक है। कौन सा रंग के? पीले रंग के साड़ी कोशिश करना, हो तो पीले रंग के साड़ी, क्योंकि कृष्ण का कलर जो है ना वो कृष्ण का जो कपड़े का रंग पीले रंग है, और राधा रानी का जो कलर है वो पीला रंग है। इसलिए कृष्ण राधा रानी को प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण पीले रंग के कपड़ा पहनते हैं। राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए राधा रानी नीला रंग की साड़ी पहनती है। इसलिए कल आप लोग सज धज करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आप लोग आना, कल बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाएंगे। और अगर ला सके हाथ में जैसे टफी लुटाते हैं ना, हाँ जैसे टफी हम लुटाते हैं, अगर हो सके तो टफी को भी लेकर के आना यहाँ पर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कल 3 दिन भगवान जन्म लेने वाले हैं, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, कल भगवान रामन के भी जन्म लेंगे, कल भगवान नरसिंह भगवान की कल ही जन्म लेंगे। इसलिए कल 3 दिन भगवान का जन्मतिथि है, बड़ी अच्छे तरह से हम लोग भगवान की जन्मतिथि मनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे बीच में एक प्रभु जी है, वो प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ये जो कथा सुनाएंगे, देखो ये कथा का मतलब है हम भगवान को हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। कोई बोलेगा ना भैया हम तो संसार में ठीक ठाक है, भगवान की हम भक्ति क्यों करें, भगवान की हम भजन क्यों करें, ठीक है। बोले हम ठाकुर को भक्ति किस लिए करें, इसलिए क्यों करने चाहिए, ये एक सुंदर स्टोरी सुनाएगा। आप लोग भी इसको याद कर लेंगे, क्या कर अगर किसी दूसरे को सुनाओगे ना वो भी भगवान की भजन करना शुरू कर देगा, तो बहुत अच्छी कथा सुनाएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के
लाला की जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, जब ये प्रभु जी है ना, कभी एक बक्सर है, जब बक्सिंग करते हैं ना, ये बक्सिंग करते हैं और बड़े अच्छे स्थान पर बक्सिंग है, लेकिन भगवान की भजन करते, कोई कहते हैं ना, अरे अगर मांस मछली नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगा, कभी कभी हम बोलते ना ताकत कैसे आएगा, तो अगर मांस मछली की ताकत, कोई कोई बोलते ना ताकत कैसे आएगी, लेकिन देखो इसका शरीर देखने में आया है। नीरज चोपड़ा आप देखे होंगे कितने करोड़ रुपया उसको मिला, उसको इसको देख करके लोग बड़े आश्चर्य हुए, इसको पूछे बोले जरूर तू तो मांस मछली खाता होगा, देखे इतना ताकत कैसे आएगा, लेकिन बच्चे हार का बोले हमारे परिवार में कभी जिंदगी में कोई दे पीठ में बैठा कर इंसान बुद्धि में ऊपर उठा ले जाता, इतने शक्ति, इसलिए वेजिटेरियन में ज़्यादा शक्ति नॉन वेज में नहीं, ठीक है ना। प्लस वृंदावन बिहारी लाट बोले नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्री दुर्ग स्वामी नामे पांचाकल्पद्रुवश कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे शिक्षा गुरु पादपद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण में बोलते ना कथा, वैसे बोलनी नहीं आती, तो बस जैसे गुरुदेव ने कहा कि कुछ बोलने के लिए तो उसका प्रयास करूंगा। जैसे गुरुदेव ने कहा एक स्टोरी है, तो एक बार ही व्यक्ति भिखारी होता है, बहुत गरीब होता है, तो वो भीख मांगा होता है, तो जब भीख मांगते मांगते एक दिन सुबह सुबह जाता है तो उसको एक सीट मिलता है, तो सोचता है कि आज तो बड़ी अच्छी भीख मिलेगी, कोई बड़ा आदमी मिल गया, शायद पूरे दिन भीख मांगनी ना पड़ेगी। जब वो सेठ के पास जाता है कि मालिक सुबह से कुछ नहीं खाया, आवाज नहीं आ रही, कह रही पीछे तक मुझे डबल आवाज आ रही, आप कह रहे आवाज नहीं आ रही, पीछे मेरी आवाज आ रही है सबको नहीं आ रही है, भैया माइक वाले जो बक्स है ना, एक बक्स पीछे आ रही है, ऐसे बोल लूं ये जो एक बक्स है ना, माइक वाले भैया एक बक्स को पीछे घुमा दो, पीछे घुमा दो, तो वो उसमें जब वो भिखारी के पास, भिखारी जब मालिक के पास जाता है भीख मांगने के लिए, तो बोलते हैं कि मालिक कुछ भीख दे दो, आज कुछ पेट दे दो, मुझे सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर आप कुछ दे दोगे तो पेट मारने चला जाएगा, सुबह से भूख लग रही है। तो ये बात सुन करके वो जो मालिक होता है वो भिखारी को बहुत जोर से डांटता है, तो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, सुबह सुबह भीख मांगने लग गए, कोई मेहनत करो, काम करो, इतना आटा कट्टा शरीर है, मेरी तरह उसका शरीर था, वो भीख मांगने लग गया, तो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतना आटा कट्टा शरीर लेकर के भीख मांगते हो, तो वो बोलता है कि मालिक अब इसको ये बात लग जाती है, तो वो वास्तविकता पे आ जाता है, वो बोलता है कि मालिक आपको क्या लगता है भीख मांगना मुझे पसंद है, मैं जानबूझ के भीख मांगता हूँ, मुझे भीख मांगना अच्छा लगता है, बोले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे भीख मांगना, तो बोले तो फिर मांगता क्यों है, मेहनत कर, कमा खा, तब तो अच्छा भी लगेगा, अब सुबह सुबह भीख मांगने आ गया, चार मुझसे सुनिए अपना भी मन खराब करा, मेरा भी मन खराब करा, पूरा दिन तेरा भी खराब जाएगा, मेरा भी खराब जाएगा, तो बोले मालिक मैं तो कमाना चाहता हूँ पर दिक्कत सिर्फ एक है, बोले क्या दिक्कत है बता, तो बोलते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, इस वजह से कोई मुझे जॉब नहीं देता, और जब तक जॉब नहीं मिलेगी मैं क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा, इसलिए मजबूरन मुझे भीख ही मांगनी पड़ती है। तो मालिक बोलता है कि चल यही तो बात है, बोले हाँ मालिक, बोले चिंता मत कर मैं तुझे जॉब देता हूँ, बोले मालिक सच, बोले हाँ आज से तू मेरे लिए काम करेगा, बोले करेगा ना, बोले मालिक दिन लगा के काम करूंगा, बोले चल एक डील करते हैं, बोले कैसी डील, बोले तू मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जा, बोले कैसा पार्टनर, बोले 90% का और 10% का, बोले 90% का मालिक मेरे बिजनेस में तू होगा और 10% का मालिक मैं होऊंगा। अब उसको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, तो वो बोलता है मालिक अगर भीख नहीं देनी तो मुझे मना कर दो, मैं कहीं और जाके मांग लूंगा, सुबह सुबह मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, क्यों सुबह सुबह मेरी तफरी ले रहे हो,
मतलब मैं तो छोटी सी भीख मांगी थी आपको डील करने के लिए उतर आ गया। बोले अरे नहीं नहीं तू गलत समझ रहा है, मैं सच में तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बोले मैंने जिंदगी भर बहुत कमाया, बहुत पैसा मेरे पास, अब मैं आराम से बैठना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जगह कोई और काम करे। बोले ठीक है मालिक, आप चिंता मत करो, मैं आपके बिजनेस को संभालता हूँ आज से। बोले करना क्या होगा मुझे? बोले मेरे चावल का कारोबार है। बोले अच्छा, तो बोले चावल का कारोबार है, तुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास तरह तरीके के चावल है, तुझे बस दुकानों पे जाना है, वो सैंपल दिखाना है और उनसे डील क्रैक करनी है और चावल डिलीवर करना है। बोले बस इतना सा काम है? बोले हाँ इतना ही काम है। बोले मालिक आप चिंता मत करो, आज से आपका जो बिजनेस है दिन दुगना रात चौगुना कर दूंगा मैं। तो बोले तो लग जा काम पे। तो बोले तुझे बस एक चीज करनी है, महीने के एंड में मेरे घर पे आके मुझे 10% दे दी और जितना भी तू कमाएगा उसका 90% किसका होगा? तेरा होगा। बोले मालिक आप महीने की बात करो, महीने से पहले 10% पहुंचा दूंगा मैं। बोले चल ठीक है। अब वो काम पे लग जाता है, मालिक अपने घर आ जाता है। अब एक महीना पूरा होने वाला होता है, मालिक वेट करता है कि मेरे 10% ला कर मुझे देगा ये, पर लेकिन वो महीने के एंड में नहीं आता। मालिक सोचता है देखता है व्यक्ति ज्यादा डेडिकेटेड है, अगले महीने दे देगा शायद, इस महीने भूल गया काम को लेकर ज्यादा सीरियस लगता है। अगले महीने वेट करता है, वो अगले महीने भी नहीं आता। तीसरे महीने वेट करता है, वो तीसरे महीने भी नहीं आता। ऐसे कर करके 6 महीने बीत जाते हैं। अब मालिक सोचने लगता है ऐसा तो नहीं कहीं ज्यादा धूप में घूम घूम के राम नाम सत्य ही हो गया हो, इतना बड़ा पैसा भी नहीं कमाने वाला बनाना कि भैया दुनिया से ही चला जाए। तो बोलते हैं जाके देखते हैं क्या हिसाब देता है, तो पता पूछते पूछते पहुंचता है उसके घर पे। तो जब पता चलता है तो देखते हैं कि उसका जब पहले जहाँ उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, अब उसने बहुत बड़ा आलीशान घर बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अब ये देखिए मालिक बोलते पैसा तो कमाया, मेरा ही नहीं पहुंचा है। अब जब उसके गेट खटखट आता है तो जब वो दरवाजा खोलता है तो बोलता है हाँ भाई साहब आप कौन? अब ये सुन के मालिक चौंक जाता है, बोलता है मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूँ? बोले नहीं। बोले याद कर तू एक दिन भीख मांगने आया था मेरे पास, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया था। बोले ओ अच्छा 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 आप? बोले हाँ मैं। बोले तुझे पता है हमारी कुछ डील हुई थी? हाँ पता तो है। बोले कहा था ना तूने महीने के एंड में 10% ला के देगा? बोले तू तो 1% भी नहीं दे, तुम्हें 10% तो बहुत बड़ी बात है। बोले एक 6 महीने हो गए, 1 बार भी 10% नहीं दिया, कम से कम 60% छोड़ 30% की दे दी 6 महीने का। बोले काय का पैसा? काय का 10%? बोले हमारी डील नहीं हुई थी। बोले कैसी डील? तुम घर में बैठे रहो, दोपहर में घूमू मैं, दुकान पे जाऊँ मैं, डील क्रैक करूँ मैं, सामान डिलीवर करूँ मैं, और तुम्हें बैठे बैठे 10% मिलेगा। बोले कोई 10% नहीं है, जाओ यहाँ से। अब मेरे एक प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले, आप उसकी इतनी मदद करो और आपके साथ वो ऐसा कर दे, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे बताओ? स्वार्थी और तो मुझे क्या कहेंगे आप? कुछ तो कहेंगे, गाली तो देंगे, देख कैसा हराम पर आदमी है, इतनी मदद करी हमने इसके और ऐसा हमारे पे जूते मार दिए इसने। कहोगे नहीं कहोगे? दो चार बात तो निकलेगी मन से, नहीं निकलेगी। कौन कौन कहते हैं यहाँ भी ऐसा व्यक्ति गाली खाने लायक? हाथ खड़े करोगे? बाकी क्या नहीं मानते गाली खाने लायक हो? तो गाली खाने लायक है तो सारे हाथ खड़े करोगे? सेल्फिश, हाँ ये बोल रही सेल्फिश, बेहतरीन। अब यहाँ प्रश्न उठता है वो व्यक्ति है कौन? बोले कैसे? जब हम इस जगत में आए थे, जब हमने जन्म लिया था, हमारे पास क्या था? कुछ लेके आए थे क्या? कुछ वसीयत वसीयत तुम कर्ण की तरह कवच कुंडल पहन के आए थे क्या? या 2-3 गड्डी हाथ में लेके आए अंदर से, ये रही मेरी वसीयत, ऐसा कुछ था क्या? सोने वोने की चैन पहन के आए, कुंडल वंडल पहन के आए, कुछ था? कौन थे हम? एक आए, किसने दिया हमें सब कुछ? भगवान ने दिया, घर परिवार पैसा दौलत, आज जो भी जहां भी हमें, सांस भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत। तो अब जब भगवान पूछेंगे भाई मेरा 10% का है, तो किस किसने 10% टाइम टू टाइम दिया है? अब यहाँ प्रश्न एक और उठता है कि भाई भगवान को हम 10% में दे क्या, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। उसने कहा था जितना तू कमाए उतना उसमें से 10% दे दिए। अब यहाँ पे हमारी इनकम सोर्स क्या है? बोले टाइम। पैसा इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो यहीं का है, भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया, वो भगवान के पास ही रह जाएगा। हम ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे। एक चीज भगवान ने यहाँ पे हमें फुलफिल करने के लिए दी है, जो कि हम ठीक से कर सकते हैं, वो है टाइम।
भगवान ने हमें बोला है कि तुम 24 घंटे देता हूं मैं तुम्हें, 24 घंटे में कमाओ जितना कमाना। प्रश्न ये उठता है कमाना क्या है। भगवान ने 24 घंटे में तो पाबंदी नहीं लगा रखी, नहीं भाई तू 22 घंटे लेगा, तू 10 घंटे लेगा, तू 19 घंटे लेगा, सबको इक्वल 24 घंटे दे रखे, दे रखे नहीं दे रखे। कहते ना टाइम इज मनी, सबने सुनी है ये बात, तो वास्तव में पैसा तो समय ही है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को इसमें से 10% क्या दे, बोले अपने 24 घंटे में से 10%। 10% कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट। अब बताओ यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट डेली भगवान को कौन देता है? तो गाली कौन कौन दे रहा था? अब बताओ, हम हैं वो नहीं है सेल्फिश? और माता जी आपने कुछ कहा था सवाल, तो वो हम हैं या नहीं है? मानते ही नहीं मानते आप लोग? तो स्वार्थी बने रहना है या इस बात को समझ के आगे से अपना वो जो 10% है वो भगवान को देना है, देना है ना? तो बस यही इस कथा का सार है कि हम लोग इस जगत में आए क्यों हैं। भगवान ने फुल छूट दे रखी है, बोले तुम 90% अपने काम में लगाओ। भगवान ये नहीं बोल रहे कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ, बस मेरा ही नाम करो, पूरे दिन मेरा ही नाम करते रहो, मुझे स्मरण करते रहो। भगवान ने कहा 90% तुम दिन का अपने लिए यूज करो, मुझे बस क्या चाहिए 10% चाहिए। 10% मतलब 2 घंटे 40 मिनट। सुबह उठ के नहा धो के थोड़ा भगवान का नाम कर लो, फिर जब आप काम से घर आओ तब थोड़ा बहुत काम कर लो, हो गए 10%, पता भी नहीं चलेगा और हो भी गया आपके सारे काम हो भी गए। तो आज से सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपना अपना 10% दे, वरना वो जब लेने आएगा तो 100% ले लेगा। सीधा राम नाम सत्य हो आप वांछा कल्पित वर्ष कृपा ठाकुर जी हमारे पास में 10% चाहते हैं। इसलिए सूरदास का एक पद है, बोले जिन्नी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी मोर समको लखलखानी। सूरदास का है कहते जिसने शरीर दिया, इंसान जीवन दिया, हमने लंगड़े लूढ़े नहीं बनाए, हमने इतने सुंदर शरीर, दो आंख, दो हाथ, दो पैर, ठाकुर जिसने सब कुछ दे दिया, बोले उसको ही भूल करके बैठ गए। बोले कैसे नमक हरामी, कहते तुम नमक हरामी हो, सारा दुनिया के लिए समय देते हो, लेकिन जब ठाकुर का बारी आते ना, बोले समय कहाँ है। जब किसको बोले तो भगवान की भजन करो, भक्ति करो, समय कहाँ है हमारे पास। लेकिन अक्सर करके देखना, हम संसार में जो कुछ करते हैं ना दूसरों के लिए, पत्नी को कैसे खुश रखे, पति को कैसे खुश रखे, सास को कैसे खुश रखे, ननंदों को कैसे खुश रखे, बच्चों को कैसे खुश रखे, इसलिए देखना ज्यादा करते कि नहीं उसके लिए, उनको कैसे खुश रखे। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है क्या? बोल दो, संसार में कोई तुम्हारे ऊपर में खुश है? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली होती है, निंदा करते होंगे, बहू करती होगी, सास करते होगी, पिता करते होगा, ससुर, सब चुगले के बगैर संसार में ना हमको बदनाम के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन भगवान के लिए, आप द्रौपदी का नाम जानते हो, नहीं अभी सुन रहे थे ना, जब भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ा साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे कब इसका ऋणी उतारू, कब इसका ऋणी मैं उतारू, है जिस समय भरी सभा में लाल जा रही थी। द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति ना। महाभारत देखे हो, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, कोई उसके काम में आए? कोई बचाए उसको? वहां पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सब थे, कोई रक्षा किए? लेकिन अंतिम समय में कौन इसको वस्त्र दिया है बताओ, किसने काम में आए? भैया उसके सिवाय तुम्हारी कोई काम में आने वाले नहीं, जिसको अपना अपना कर रहे हो ना, कोई भी तुम्हारी काम में नहीं आएगा, केवल वही अंतिम समय में काम में आएंगे। इसलिए देखना हम तो भारत के लोग हैं, देखो जिंदगी भर जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब शरीर छूट जाती है, आप लोग देखे होंगे जो 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वल्लभ व्यक्ति है, सब कोई बाजू का। इसका मतलब क्या है? किसको बोलते हैं? जो ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति को कहते, बोले भैया जीवन में जितने राम का कृष्ण का नाम लिया वो ही जा रहा, सब कोई बात झूठा है, एक सुई धागा भी नहीं जाने, ठीक है ना। इसलिए 10% ठाकुर को देना, 10% नहीं, वो 5% भी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? 5%,
इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके हम अपना कर्तव्य, बहुत कुछ कर्तव्य, ये कर्तव्य ये कर्तव्य, सारे कर्तव्य को थोड़ी समय के लिए भूल जाओ, एकदम पीछे रख लेना सारे कर्तव्य, क्योंकि ये कर्तव्य तुम्हारी काम में नहीं आएगी। इसलिए ऐसे माला लेकर के हैं, ऐसे माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मुट्ठी एक सर के का, ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने कि नहीं? एक दिन महाप्रभु के भक्त होने वाले, प्रभु हमारे घर में भोजन, भगवान बोले सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करोगे, बोले जो लखपति, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो। भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, आप तो कहते लखपति घर में भोजन करोगे, हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। कहते भगवान क्या बोले, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर को नाम जप करते हैं। इसमें देखो अब लोग लखपति कैसे बने गए। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन सुने अमिताभ बच्चन का नाम? कुछ दिन पहले टीवी में आता था, देखे होंगे, वो बोलता था कौन बनेगा करोड़पति, आता ना कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। देखो आप लोग लखपति कैसे बनोगे, जैसे ये माला है, हैं? माला में आप सब मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, एक मोटी सर्किल, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये दो मोती सर्किलगा। जब यहाँ खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करना, सीख लो अच्छे तरह से, और इसको ऐसे घुमा देना दूसरे तरफ से करना, ठीक है। देखो लखपति कैसे बनोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया, एक बार माला में 16 बार हो गया है। जब इसमें 108 मोती, जब यहाँ खत्म हो जाता है इसको घुमा करके दूसरे बार करते हैं, अगर ऐसे 16 माला कर लेंगे ना वो हो जाएगा 25,000, अगर 64 माला करेंगे तो 1 लाख। भगवान कहते हैं 1 लाख माला नहीं किया, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फीस डिपॉजिट हो गई, ये भगवान खुद कहते हैं। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, जैसे ब्याज में पैसा को ब्याज मिलता है, ब्याज कितना मिलेगी। मीरा कहती है दिन दिन भरत सवायो पायो जी मैंने राम रतना धन, आज अगर 1 लाख करेंगे, मीरा कहती कल तुमको 1.25 लाख और 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में 2 लाख, ये ऐसे कहने, बोले चोर नहीं लगे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त सवाए। ये संसार का जैसे संपत्ति, मान आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, शरीर छूट जाएगी, बताओ कुछ जाएगा साथ में, सब यहीं रह जाएगी। लेकिन ये धन है ना, अगर पिता कमाएगा तो इसको बच्चे नहीं ले सकते, बच्चे कमाएगा तो पिता नहीं ले सकते, जो कमाएगा ना इसी जीवन में, भाई आप ही धनी बनोगे, अगले जीवन में ब्याज समेत आपको मिलेगा, इतने महिमा। इसलिए आज हम बैठ करके 5 मिनट और चाहिए आपसे, बैठ करके एक एक माला जप करेंगे, ठीक है ना। देखो करी करी हम लोग यहाँ कितने भक्त, 60-70 भक्त यहाँ पर बैठोगे, माला तो आप एक ही करोगे, लेकिन आपको जो फल मिलेगा ना 1 लाख माला करने का फल मिलेगा। क्यों यहाँ पर करके हम 50-60 भक्त यहाँ पर बैठेंगे, सब लोग माला करेंगे, सभी की गला की आवाज सबको कान में जाएगा, माला तो एक करेंगे लेकिन माला कितना फल मिलेगा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए जितने जोर से हरिनाम करोगे ना इसकी आवाज जितने दूर तक जाएगी, जितने दुख कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठीक है, माला लेकर सबको देखो दे दो। लेकिन जो माला आपको एक लेने के लिए नहीं, जब करने के बाद मेरे को दे दो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कथा में भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जब करे, सबका कल्याण हो, सबको उद्धार हो। खड़े हो जाओ, खड़े होकर सबको दे दो। जिसके पास में माला वो माला नहीं ले, जिसके पास में नहीं वो लोग माला ले, जिसके पास में नहीं केवल वही ले। हाँ सबको दे, सबको बांट दो। क्या क्या वो दो दो इधर एक दे दो, किसके पास माला नहीं माला ले दो, और उधर उधर दे दो पीछे, बाबा पीछे पीछे दे दो, ए माला एक्स्ट्रा माला यहाँ पर दे लो,
इधर दे दो, बोलो इधर दे। सब सब वापस दे देना, कोई लेना नहीं। अगर जो लेना बाद में, मैं इसको ले जाओ, इसको और किसको नहीं मिला है। हाँ देखो, आप लोग मन मन में समझो, अभी हम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में बैठे, इसलिए सबके सब आंख बंद कर लेना और मेरे साथ साथ में सबके सब जप करना। और देखो इधर सुना, सबके सब बोलना, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा ना, वो पाप वहां रह नहीं सकता है। जो ठाकुर का नाम लेगा पाप उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके कहाँ बैठेगा, कोई जगह तो होनी चाहिए ना। मतलब जो नहीं करेगा उसका सर पर सारे पाप बैठ जाएगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ साथ में के बांके बिहारी की चरण में बैठे, ये सोच करके मेरे साथ में सबके सब माला करो। और देखना ये आवाज जितने दूर तक जाएगी, समस्त पाप दुख कष्ट सब दूर हो जाएगी। ठाकुर का नाम में इतने शक्ति है, इसलिए सब मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई ना माला पूरी देखो माला तो एक किया है लेकिन आपको नाम पर की भर मैं नहीं कह रहा हूँ ठाकुर जी कहते हैं आपका बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया कल आपको 1.25 लाख और 4 दिन में कितना 2 लाख जब आप ऊपर जाओगे ना देखो जब चलेगा चित्रगुप्त पता चलेगा भैया आपने बैठ करके भागवत में ये माला किए हुए और वही धैर्य आपकी अंतिम समय में यही आपको काम आएगा इसलिए आप लोग सब माला वापस दे दो लेना कोई लेना नहीं पाप लगेगा सबको कोई लेना नहीं माला को जिसकी इच्छा होगी मैं बाद में दे दूंगा लेकिन सबके सब माला वापस दे दो प्रभु जी एक सुंदर भजन गा लो सबके सब एक बार खड़े हो जाओ सब माला दे दो खड़े हो जाओ प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे सबके सब ठाकुर का भजन में नाचना जो ठाकुर का भजन में नाचेगा 84 लाख के जिन्हें नाचना सब खत्म हो जाएगा आपका सब माला दे दो तो 4 व्यक्ति माला को इकट्ठे कर लो बीच बीच में बहुत तेज है।